फ्रेंड्स, वेलकम. स्वागत है आपके अपने चैनल पर और मैं आरती. चलिए, आज के इस लाइव क्लास में हम यहाँ पर दो सब्जेक्ट को, दो क्यों तीन सब्जेक्ट को एक साथ में लेते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इग्नू में जो प्रोग्राम्स जो चलते हैं, खासतौर पे ओल्ड प्रोग्राम, बीए और बीएससी और बीएजी, उनको रिवाइज कर दिया गया, कुछ नए तरीके से लाया गया और उनका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी कर दिया गया. रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट ए टू जेड वही है, सिर्फ कोड बदल दिए गए हैं, थोड़ा सा फिर बदल किया गया है. मतलब जैसे एक सब्जेक्ट बीए का है तो उससे दो सब्जेक्ट किस में, बीएजी में बना दिए गए हैं और कंटेंट उसी के लिए गए हैं. तो इसी तरह से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज के इस वीडियो में, सॉरी, इस क्लास में जो है हम तीन सब्जेक्ट को लेंगे. इंपॉर्टेंट जो है वो BHIC 132 यानी 132 और साथ में BHIC 105 है. अब इन दोनों सब्जेक्ट में कुछ कंटेंट आपको EHI 03 के भी मिलेंगे. तो जैसे देखिए, BHIC 132 जो है वो भारत का इतिहास है, लगभग 300 CE से 1206 तक, यानी कि आप 300 से 1200 तक BHIC 132 में पढ़ेंगे. ठीक है, ओके, राइट. ये देखिए कंटेंट इसमें क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं. ठीक है, ओके. जैसे देखिए, ये हम चलते हैं और यहाँ पे हम आपको ये देखिए, ये इकाइयां EHI 2. अब EHI 2 भी इसमें है, अगर आप चाहे तो इसको देख सकते हैं. EHI 2 के जो ब्लॉक है आपका 8 है उससे लिया गया है. MHI 04, 05 और 06 ब्लॉक लिया गया है. EHI 02 का जो है ब्लॉक 9 उससे लिया गया है. तो ऐसे मैंने कहा कि इस तरह करके बुकें बनाई जाती हैं, ठीक है ना. तो ये आपका HI 02 है, जिसमें आप गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उनके अर्थव्यवस्था, समाज के बारे में, हर्ष पुष्प बुद्ध को पढ़ेंगे, दक्कन के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव पांड कलचुरी, बादामी, चालुक्य, चोल के बारे में, गुप्त काल, अर्थव्यवस्था, समाज कैसा था, राजपूत, राष्ट्रकूट, अरब हमले, महमूद गजनवी, ठीक है ना, ये सभी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे. तो ये BHIC 132 है. अब इसी इसमें धर्म के बारे में, कला के बारे में पढ़ेंगे. अब इसी में BHIC 105 ले लेते हैं. अब ये भारत का इतिहास क्या है, 3 है, ठीक है, ओके, राइट. और भारत के इतिहास 3 यानी 750 से 1206 है. हमने 300 से 1200 दी, BHIC 132 में पढ़ा, ज्यादा नॉलेज दिया, ज्यादा डिटेल में पढ़ा, क्योंकि 300 से था और ये तो 1200 तक ही है, लेकिन 750 से मतलब कम पढ़ना पड़ेगा, इसमें थर्ड पार्ट के रूप में आया है. अब यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है. अब इसे यदि आप देखते हैं, मैं इसको जूम कर देती हूँ, तो आप देखिए ये EHI 03 से लिया गया, जो 8वीं सदी से 15वीं सदी तक आपका है, ठीक है ना. देखिए ब्लॉक 3 लिया गया यहाँ पे, ब्लॉक 10 लिया गया है इसी में. तो यानी EHI 3 के जो स्टूडेंट है इस वीडियो को देखे. फिर BHIC 132 जो भी जस्ट हम बता के आ रहे हैं आपको, ये देखिए BHIC 132 जो है इससे भी लिया, मतलब कि BHIC 132 न्यू स्टूडेंट BAG का कंटेंट है और BHIC 105 जो BA ऑनर्स का सब्जेक्ट है, तो BA ऑनर्स से BHIC 132 को बना दिया गया. तो आप चाहे इधर से काम पकड़े उधर से पकड़े, दोनों में एक ही चीजें मिलेंगी. तो आप कह सकते हैं कि 105 से 132 बनाया गया, 132 से 105 बनाया गया, ठीक है. तो ये देखिए, ये दिया हुआ, तो आप इसे देख लीजिए. BHIC 132 या EHI 03, BHIC 132 देखिए है, EHI 03, BHIC 132, यही सभी MHI 05 यानी कि जो हमें स्टूडेंट हिस्ट्री के, उनका भी यहाँ पे डाला गया. 5 और 6 देखिए, दोनों को डाला गया, लेकिन ज्यादा कंटेंट BHIC 132 और EHI 03 के लिए गए हैं, ठीक है ना. तो इसलिए क्या है ये आपका BHIC 105. तो इसलिए मैंने थंबनेल का नाम क्या रखा है, उसमें 3 सब्जेक्ट क्यों लेंगे, BHIC 132, BHIC 105 और EHI 03. EHI 03 के कुछ कंटेंट रह जाएंगे तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं अगर प्लेलिस्ट में है तो आप उसे बात कर लीजिए, नहीं बाद में मैं लेके आऊंगी. इसमें भी देखिए वही है, राजनीतिक परिदृश्य में राजपूत का आप पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट एवं पाल का पढ़ेंगे, चोल एवं चालुक्य पढ़ेंगे, उनकी कला वास्तुकला पढ़ेंगे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत जो दक्कन का देख के आए, सब कुछ वही है. अरबों पर सिंध की विजय, तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी, 132 में तो स्टार्टिंग ही ये दिया हुआ है. लीजिए 132 की जो स्टार्टिंग है ना, वो आपकी यहीं से मिल जाती है, ठीक है ना. तो आप यहीं से इसको पढ़ लेते हैं. ये तो ये जनरली जो सब्जेक्ट है आपका किससे मिला के बनाया गया है, ठीक है ना. अरब तुर्की आक्रमण, अर्थव्यवस्था, समाज, दक्षिण पूर्व एशिया, भूस्वामी, तो हिस्ट्री जनरली एक ही होती है, कुछ अलग नहीं होती है, सिर्फ टाइम के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है. तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं. थोड़ा सा बताना जरूरी है, मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि इसके आगे का जो वीडियो आपको मिलेगा वो ऑलरेडी लेक्चर वीडियो अवेलेबल है, इसमें मैंने उसको ऐड कर दिया है, ठीक है ना. तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, उसी को बार बार क्यों पढ़ाया जाए जो ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन आपको मिल नहीं रहा. तो चलिए फिर देख लेते हैं, उसमें आपको
BHIC-132 के बारे में स्पेशल दिया गया है, लेकिन उसमें BHIC-105 और HI-03 के भी कंटेंट मिलेंगे, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए देखिए, ब्लॉक वन ही सिर्फ इसमें है, और ब्लॉक वन की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, आवाज आ रही है ना? तो चलिए देखिए, ब्लॉक चलिए वन बिल्कुल आवाज आ रही है। तो यहाँ पे 16 यूनिट आपको पढ़ना है, 16 यूनिट पढ़ना है, सोचिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू कर देते हैं, ले लेते हैं। बस मुझे डर लग रहा है कि कहीं PDF जो है वो क्रैप ना हो जाए, और यहाँ पर फिर मुझे दूसरी PDF खोलनी पड़े, और मैंने इसमें ऑलरेडी पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं। पहली यूनिट जो है वो है आपका गुप्त साम्राज्य उदय एवं विकास। अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, ओके। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेनिफिट तो आपको ही मिलेगा सब्सक्राइब करने से, ठीक है ना। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और जैसे आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तुरंत जैसे मैं लाइव होंगी ना, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ पे शुरू कर देते हैं। चलिए मैं साउंड कम कर देती हूँ, ठीक है, साउंड तो सही है, ठीक है ना, साउंड सही है ना, बिल्कुल सभी का लेके आऊंगी। आज इसका हिस्ट्री कर लेती हूँ, आज नाइट में करूंगी, 11-12 तक रहती हूँ, इसके बाद एक और लाइव क्लास लूंगी, ठीक है। आप लोग का हॉलीडे तो कल है, क्योंकि कल रक्षाबंधन जो इग्नू है वो कल मना रहा है, वैसे कल ही था, लेकिन थोड़ा सा ये भद्र वगैरह स्थित सुबह सुबह कुछ ध्यान में रख करके 12 को कर दिया गया है, तो कल आपका पेपर नहीं है, ठीक है ना, तो आज आप नाइट में पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, सब लोग आ गए हैं। गुप्त साम्राज्य में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है इस वाले यूनिट में? देखिए, गुप्त साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, यानी प्रादुर्भाव, ये हम देखेंगे, और साथ में गुप्त साम्राज्य का विघटन देखेंगे, यानी पतन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ठीक है ना, ओके राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम गुप्त साम्राज्य के उदय की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने उसके उत्पत्ति के स्थान के विषय में, यानी कि विभिन्न स्थानों का नाम दिया, कि कोई विद्वान कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति इस जगह पे हुई, कोई कह रहा है इस जगह पे हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सातवाहन शिलालेख के में प्रयोग हुए शिवगुप्त के साथ इस वंश की उत्पत्ति हुई थी, शिवगुप्त का जो वंश था उससे संबंधित गुप्त है, ठीक है ना, जो गुप्त वंश है। कुछ लोग और यहाँ पर अपने सुझाव देते हैं, कुछ बंगाल में, कुछ बिहार मगध में बताते हैं, उत्तर प्रदेश को भी उनकी उत्पत्ति का स्थल बताते हैं, क्योंकि रियलिटी देखिए मिलती नहीं थी पहले के टाइम में, तो जिन बुकों में जैसे साक्ष्य मिलते गए, जिन लोगों ने उस टाइम के जो लेखक थे उन्होंने लिखा, उसके अकॉर्डिंग इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। तो अगर इन सभी तर्कों को देखा जाए, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और शिव गुप्त वंश, तो अगर एक निष्कर्ष निकालते हैं तो हम कह सकते हैं कि गुप्तों की उत्पत्ति का स्थल पूर्वी उत्तर प्रदेश था, ठीक है राइट। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इलाहाबाद या प्रयागराज कहा जाता है वो है, और यहाँ पे स्तंभ अभिलेख मिलते हैं जिसमें गुप्त वंश के जो स्टार्टिंग का प्रारंभिक प्रथम शासक था उसकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है अभिलेख में, प्रयागराज में। आपको प्रयागराज ही लिख देंगे, इलाहाबाद लिख दीजिए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप पुराना नाम ही लिखिए, ठीक है ना। और उनका मानना था कि वे इसी क्षेत्र में रहते थे, ठीक है राइट। और इससे एक रीजन ये भी था कि इलाहाबाद में गुप्त शासकों के सिक्के के भंडार पाए गए थे, तो पहला सोर्स हो गया उनके उदय का। दूसरा ये कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग में, आरंभिक में गुप्तों के क्षेत्र के विषय में पुराणों में भी कुछ मिलता है, तो पुराणों में भी इसका संकेत मिलता है कि गुप्त वंश जो है इलाहाबाद यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश था। तो अगर हम तीसरी शताब्दी सी की बात करके अंतिम दशक की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुषाण शासक पहले हुआ करते थे, और उनके सहायक के रूप में गुप्त शासक काम किया करते थे, ठीक है राइट। यानी कुषाण शासक होते थे, कुषाण शासकों के सहायक के रूप में ही उत्तर पश्चिम भारत में गुप्त शासक शासन किया करते थे। बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, तो उसको संभालने के लिए लोग क्या करते थे कि दूसरे राजाओं को भी अपने आधीन समझ के उनसे काम करवाया करते थे, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया। अब चलिए फिर अभिलेख से भी पता चलता है कि गुप्त प्रथम राजा जो गुप्त का था, श्री गुप्त प्रथम राजा था, और उसके बाद घटोत्कच राजा हुआ था। तो प्रथम राजा गुप्त का कौन हुआ था? श्री गुप्त हुआ था। और चंद्रगुप्त पहला
पहला स्वतंत्र राजा यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं, वो पहला स्वतंत्र राजा हुआ था गुप्त काल का, और जिसको महाराजाधिकार की उपाधि से उपाधि दी गई थी महाराजाधिकार की। और मगध में अपनी स्वतंत्रता को घोषित करने के बाद उन्होंने जो लिच्छवी हैं तो लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध उन्होंने बनाए थे, यानी उनकी बेटियां लेना, अपने बेटे को देना, और इस तरह से राज का पहले के राजाओं का काम हुआ करता था कि दूसरे राज तक अपने को अपने राज का प्रचार करने के लिए वो दूसरे राज के साथ में वैवाहिक संबंध बनाया करते थे, विवाह वगैरह का। यहाँ पे जो है गुप्त ने भी किया था, ठीक है, राइट। और अगर इसकी जानकारी एक सिक्कों से होती है तो सिक्कों पर चंद्रगुप्त और उसकी जो पत्नी है रानी कुमार देवी का चित्र बना हुआ है, और दूसरे एक तरफ दूसरे भाग पे लिच्छवाया है यानी लिच्छवी की कहानी, समझो देवी होती है लिच्छवी की, उनका चित्र बना हुआ है। सोने के सिक्के थे तो गुप्तों ने सिक्के के वजन के लिए कुसार प्रणाली के सोने के सिक्कों का फॉलो किया था, ठीक है, ओके, राइट। तो इससे पता चलता है कि गुप्त शासन कुषाण शासकों के क्षेत्रों से संबंधित थे। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त जो पहला था वो राज्य की सीमा का निर्धारण के लिए, यहाँ पे कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल भाग जो थे, जहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राज्य किया था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर साम्राज्य का प्रसार यदि आता है गुप्त काल का तो आपको यही लिखना है, और यदि समुद्रगुप्त का आता है तो आपको यही लिखना है, ठीक है ना, राइट, ओके। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसका पुत्र जो हुआ था वो समुद्रगुप्त हुआ था, और उसी ने गुप्त साम्राज्य का प्रसार किया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रयागराज में अशोक के स्तंभ पर एक अभिलेख जो है मिला, और उस अभिलेख में समुद्रगुप्त को सिंहासन रोहण सिंहासन पर बिठाते हुए और विजय के रूप में सूचनाएं देता उस अभिलेख में पता चलता है, ठीक है, राइट। और इन्हीं उन्हीं को इस स्तंभ पर खुदवाया गया था, तो एक अभिलेख से भी पता चलता है, अशोक के स्तंभ पर एक अभिलेख था जिसमें समुद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाया गया था, 33 पंक्तियों को संकलित किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ था कि महाराजाधिराज समुद्रगुप्त एक यानी प्रथम ने अति भावनात्मक आवाज में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, उस अभिलेख से है। और दरबारी जो थे वो आनंद हो रहे थे, बहुत से राज परिवार वाले ईर्ष्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो इससे भी थोड़ा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजकुमार बना राजा बनने का दावा पेश कर रहे थे, उनको इस घोषणा के द्वारा शांत कर दिया गया था। तो क्वेश्चन समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सिक्कों की प्राप्ति, अब जब सिक्कों के आधार पर हम कुछ चीजों को मान रहे हैं कि समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बना था, सिंहासन पर बिठाया गया, तो कुछ और सिक्के प्राप्त हुए जिनसे विवाद खड़ा हो गया। विवाद ये हुआ था कि जो कक्ष के सिक्के थे बिल्कुल समुद्रगुप्त के सिक्कों के समान थे, कक्ष का नाम गुप्त शासकों की अधिकृत सूची में शामिल नहीं था, यानी कि जो ये शासक दूसरे शासकों के साथ में मिलकर शासन करते थे, अपने राज का विस्तार करते थे, उन शासकों में कक्ष का नाम नहीं था, लेकिन समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे वो कक्ष के सिक्कों से मिलते जुलते थे, तो वह गुप्त शासकों के अन्य अभिलेखों में वर्णित है इस चीज का। इसलिए यहाँ पे कुछ तर्क दिए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा कि हो सकता है कि समुद्रगुप्त के भाइयों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया हो, और सबसे बड़े भाई कक्ष को सिंहासन पर बैठा दिया गया हो, और उत्तराधिकार के लिए वो लड़ाई में मारा गया हो। दूसरा विचार ये रखा जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने भाई की स्मृति में सिक्का को जारी कर दिया हो, ठीक है ना। तीसरा विचार ये रखा जाता है कि समुद्रगुप्त का प्रारंभिक नाम कक्ष था, और दक्षिण की विजय के बाद समुद्रगुप्त नाम को धारण कर लिया गया था। जो विवाद है कोई हल नहीं है, सबके अपने तर्क हैं, विचार हैं, सबके अपने विरोध हैं, तो बस यदि समुद्रगुप्त का राज प्रसार आता है तो आपको यही लिखना पड़ेगा। प्रसार एवं शुद्धिकरण उत्पत्ति आती है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, उत्पत्ति में प्रसार एवं शुद्धिकरण भी आपके सामने है तो देख लीजिएगा, क्योंकि समुद्रगुप्त ने विजयों की आक्रामक नीति को अपनाया था, यानी कि विजय प्राप्त करने के लिए उसने एक आक्रामक रणनीति अपनाई थी, और यहाँ पर उसने श्री गणेश जो किया था वो पराकाष्ठा गुप्त साम्राज्य के निर्माण के रूप में हुई थी। गुप्त साम्राज्य को सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य और एक तरह से प्रसार करने के क्षेत्र में समुद्रगुप्त का नाम सबसे पहले आता है, और ये पहला ऐसा राजा था जिसने गुप्त साम्राज्य को बहुत लंबे तक लेके गया, बहुत उसका प्रचार प्रसार किया, खास तौर पे दक्षिण में अगर बात की जाए तो उसने उन राजाओं को पुनर्स्थापित किया था जिनको उसने पराजित किया था, और उन क्षेत्रों पर शासन को कायम भी रखा दक्षिण में, ठीक है, और उन शासकों ने उसके आधिपत्य को उसके अधिकार को स्वीकार भी कर लिया था और उपहार भी भेज
स्टेट में दिए थे, ठीक है ना, राइट। तो ये जो नीति थी अपनाई थी समुद्रगुप्त ने, वो काफी लाभदायक सिद्ध हुई थी। और कुछ और नीतियां जो समुद्रगुप्त ने अपनाई थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे इतना ही लेंगे समुद्रगुप्त से। अब यहाँ पे ये देखिए, जब गुप्त साम्राज्य के प्रसार के लिए समुद्रगुप्त द्वारा जो प्रयत्न किए गए उनका वर्णन यहाँ तो 5 पंक्ति में ही दिया हुआ है, तो यही वर्णन था जो यहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, आप उसे बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना, राइट। और भी यहाँ पे है, आर्यावर्त के 9 राजाओं के नाम उद्धृत किए गए थे, क्योंकि जनरली अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, आर्यावर्त या उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, तो उन राजाओं की अपेक्षा समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राजाओं के प्रति जो है एक अलग नीति अपनाई थी। मतलब आर्यावर्त के यानी उत्तरी भारत के जो राजा थे उनको पराजित करना ही नहीं था, हराना ही बन नहीं था, बल्कि उनके राज गुप्त साम्राज्य के अभिन्न अंग बन गए। सिर्फ हराना नहीं था, उनको अपने साम्राज्य में भी मिला लिया था। और उत्तरी भारत में पराजित राजा इस प्रकार थे, रुद्रदेव, मतिला, नागदेव, चंद्रवर्मा, कुछ ऐसे करके लोग थे, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग थे जो उत्तर भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे, ठीक है। नाग राजा जो था वो गुप्तों से पूर्व बहुत शक्तिशाली शासक था, ठीक है, तो इतना आपके लिए यहाँ पे काफी है। चलिए, अब जनरली क्या करते थे राजा लोग, जो हार जाते थे उनको अपने साम्राज्य में कोई राजा मिला लेता था तो क्या करते थे, वस्तुएं उपहार वगैरह भेंट स्वरूप में देते थे, कभी कभी तो वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए जाते थे, यानी स्वयं को समर्पित करके अपनी पुत्रियों को विवाह के लिए प्रस्तुत करना पहले ही का काम हुआ करता था। तो राजा लोग अपने राज का प्रचार प्रसार करने के लिए वैवाहिक संबंध को ज्यादा रखते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय हम नहीं देखेंगे, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप देख लेते हैं। इसमें हमारे सामने 2 क्वेश्चन थे, एक तो जो गुप्त साम्राज्य था उसका उद्भव कैसे हुआ, ठीक है ना, विचार पूछ सकता है, या क्या क्या इसमें विभिन्न मत है ना, वैचारिक मतभेद, तो आप बता सकते हो समुद्रगुप्त का। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो बनता है गुप्त साम्राज्य का विघटन, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। और विघटन का मतलब होता है पतन, कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ठीक है, ओके, राइट। सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। कोई हार्ड नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ इजी लैंग्वेज में, आपको समझा रही हूँ, मैं बुक को रीड नहीं करूंगी, जो उसमें दिया है उसको अपने वर्ड में अपने लफ्ज में आपको समझाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा रीड करना पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं उसको नहीं पढ़ूंगी तो चीज मेरे समझ में नहीं आएगी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। चलिए, तो अब देखिए, गुप्त साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ, विघटन किन कारणों से हुआ, कुछ कारण थे। पहला कारण था हूण आक्रमण, जो हुड़ थे, अब ये वैसे हुड़ होता है लेकिन यहाँ पे हुड़ लिखा है, कोई बात नहीं। तो जो ये हुड़ थे, जब कुमार गुप्त पहला का शासन चल रहा था, प्रथम का शासन चल रहा, जनरली इसमें गुप्त वंश में आपको प्रथम द्वितीय मिलेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम द्वितीय, इस तरह के मिलेंगे। तो जब कुमार गुप्त का शासन चल रहा था उस समय सीमा से हुड़ों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। हुड़ कौन थे, हुण मध्य एशिया का एक कबीला था जो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहा था। किस ओर बढ़ रहा था, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। वहां क्या था, वहां कुमार गुप्त का शासन था, राज था उत्तर पश्चिम सीमा पर, वहीं पे हुण जो है वो आक्रमण कर रहे थे और आगे की ओर बढ़ रहे थे, कि एशिया का कबीला था। कबीले वाले होते ही हैं, एक जगह पे कभी रुकते नहीं है, वो आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं, खानाबदोश जैसे इनकी लाइफ होती है। तो उत्तर और पश्चिमी भारत में कई स्थानों पर राज्यों की स्थापना भी उन्होंने कर ली थी हूण ने, ठीक है ना, राइट। हालांकि आगे चल करके जो गुप्त राजा उस वक्त था कुमार ने, उसने उनके आक्रमणों को दबा दिया था, लेकिन ऐसा अधिकतर भागों में नहीं हो पाया था। कुछ अधिकतर भागों में हूण ने अपना राज्य जो अपना शक्ति जो है अपना राज्य अधिकार जो है आधिपत्य ने अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार हूणों का आक्रमण खास तौर पर उत्तर पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में गुप्तों के लिए बहुत घातक साबित हुआ। फिर प्रशासनिक कमजोरियां दूसरी हो जाती है। अब प्रशासनिक कमजोरियों का मतलब होता है जो एक शासन तंत्र होता है उसके अंतर्गत। तो प्रशासनिक कमजोरियां कैसी थी, ये था कि जिन राजाओं ने गुप्त शासक के सामंती प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया, यानी गुप्त शासन का जो सामंती वर्चस्व था, जिन राजाओं ने उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिए, तो उन स्थानीय सरदारों या राजाओं को पुनः स्थापित करने की नीति। ये हमने समुद्रगुप्त में देखा था ना, कि जिस जिन राजाओं को वो हरा देता था तो उन राजाओं को क्या करता था, पुनः वहां का राजा बना लेता था, उसको अपने अंडर में कर लेता था। ये जो नीति थी सभी राजाओं ने इसका पालन किया था, ठीक है ना। और इन क्षेत्रों पर कठोर और प्रभावकारी नियंत्रण को स्थापित करने, यानी
कि उनको हराना, हराने के बाद फिर से राजा बनाना, और राजा बनाने के बाद उनको अपने अंडर में कर लेना, ये नीति। लेकिन कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई कि उन राजा पर कठोर और प्रभावकारी यानी कि इफेक्टिव नीति नहीं बनाई गई, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई कि ताकि वो उनके अंडर में ऑलवेज रहे या दबा हुआ महसूस करें, जैसे कि मुगलों की नीति, ऐसा उन्होंने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर के कभी कभी जो प्रश्न होते थे उठकर आते थे, या कमजोर राजा को लेकर के संकट यहाँ पर गुप्त साम्राज्य में हमेशा अंदर हुआ करता था। तो प्रत्येक जो गुप्त सम्राट हुआ करता था उसकी एक समस्या होती थी, और वो समस्या होती थी अपने आप को स्थापित करने की। जब भी वो राजा बना, जब भी वो सिंहासन पे बैठा, तो अपने आप को पुनः स्थापित, राजा तो है लेकिन अपनों से वो हार जाता था, और अपने आप को वहां पे बनाए रखने के लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ता था। सैनिक अभियान के कारण, क्योंकि और जो राजा थे अगल बगल से आक्रमण कर रहे थे, जैसे उड़ गई आक्रमण हो गया, और जो राज्य लोग हैं तो यहाँ पर सैनिक अभियान, तो उनको भी सेना भेजनी पड़ती थी, तो राजकोष भी इनका खाली होने लगा था। तो इस प्रकार 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी के आते आते ये जो कमजोर सम्राट थे इनका लाभ इन्होंने उठाया, बहुत से शक्तियों को पुनः अपने में स्थापित कर लिया। तो एक मेन रीजन था यहाँ पर प्रशासनिक कमजोरियां, जो गुप्त साम्राज्य ने शुरू से जो नीति बनी थी उसको फॉलो किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पर के और भी कारण थे कि गुप्त साम्राज्य की शक्ति को छीन किया, अन्य कारण, जैसे गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान के पत्र जारी किए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भूमि दान देख लीजिएगा। मैंने जो गेस्ट पेपर बनाया उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया है, पर हमने तीन देखा, आप तीन कर लीजिए, एक आप कर लीजिए हूण आक्रमण, दूसरा प्रशासनिक कमजोरियां कर लीजिए जो मैंने आपको बताई है, और तीसरा आप कर लीजिए ब्राह्मणों को भूमि दान, ठीक है ना, राइट, ये कर लीजिए। चलिए, तो हमें लगता है यहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है हमारी फिनिश्ड होगी, हमने से दो क्वेश्चन ले लिए हैं। अब आते हैं सेकंड यूनिट में, और जो सेकंड यूनिट है वो है अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति एवं राज्य व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था, ये गुप्त साम्राज्य का ही है। अब आप अभी हमने प्रशासनिक व्यवस्था सब चीजें देखी, अब इसमें अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और राजतंत्र व्यवस्था देखेंगे। सॉरी, अभी हमने देखा गुप्त साम्राज्य की पतन और इसका प्रादुर्भाव, उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ठीक है ना। तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हम प्रशासन देख लेते हैं और अर्थव्यवस्था भी देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। तो गुप्त साम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है, ठीक है ना। तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन कैसा था ये हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रशासन था, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था जो आएगी वो आ रही है राजा की, ठीक है। पहले आप क्या हेडिंग लिखेंगे, आप यहाँ पर राजा लिखेंगे। अब राजा ही प्रशासन का मुख्य आधार होता था, यानी राजा ही एक तरह से नेतृत्व करता था, कानून, नियम, कायदे सभी वही बनाता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम और चीज भी देखेंगे, गुप्त राजाओं ने भारी भरकम उपाधियों को धारण किया था, यानी कि उपाधियां उन्होंने बहुत सारी देके रखी थी। अभी यहाँ पे पढ़ने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे है परम भट्टारक, परम भट्टारक एक उपाधि थी, परम दैवत दूसरी उपाधि, चक्रवर्ती तीसरी, और परमेश्वरम दूसरी, यानी चार उपाधियां दी। अभी किन किन के लिए थी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, समुद्रगुप्त प्रयाग के यदि हम बात करते हैं, तो उसने वहां पे लिखा हुआ था कि जो धनदा यानी कुबेर होता है, और वरुण यानी समुद्र का देवता, इंद्र और अंतक यानी बाम जैसे देवताओं के समान था, समुद्रगुप्त को देवता की उपाधि दी गई थी, और ये कहा गया था कि उसके समान विश्व में कोई दूसरी भी शक्ति नहीं है जितना कि समुद्रगुप्त महान है। अब आए थे, मुझे लगता है समुद्रगुप्त को नेपोलियन की वो दी गई है ना, दूसरा नेपोलियन यदि भारत में कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, बिल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये था, अब जिस राजा को स्मृत ग्रंथों में दिव्यांगता का स्तर दिया गया हो, यानी दिव्यता का, यानी कि भगवान का स्तर दिया गया हो, तो आप सोच समझते हैं, सोच सकिए कि पृथ्वी पर गुप्त शासकों को भी देवतुल्य यानी भगवान के समान समझा जाने लगा था। यहाँ पर कालिदास द्वारा, कालिदास ने जो रचना की थी ना, उसमें भी यहाँ पर स्कंद गुप्त के बारे में भी लिखने को मिलता है। उन्होंने ये कहा है कि भीतरी पृथ्वी को विजित किया, और जो पराजित लोगों के प्रति दयालु हो गया, सोचिए, वह ना अभिमानी हुआ ना घमंडी हुआ, और प्रतिदिन उसकी ख्याति फैल रही थी, ये कहा गया है राजा के बारे में। तो आप समझ सकते हैं उसके पिता कुमार गुप्त ने धर्म के सत्य मार्ग का अनुसरण किया, तो राजा को यहाँ पर देवता का स्थान दिया गया, आप इतना देख लीजिए। राजा के काम कुछ निश्चित थे, काम क्या थे, आज मैं स्लो पढ़ा रही हूँ, आप लोग कहते हो मैं बहुत फास्ट हो जाती हूँ ना, स्लो पढ़िए ताकि आपके माइंड में भी रहे। तो राजा का कर्तव्य था युद्ध और शांति के समय में राजनीति को निश्चित करना, युद्ध हो रही है या फिर शांति बनी हुई है तो राज को एक निश्चित दिशा निर्देश देना, ठीक है ना, युद्ध के टाइम में क्या करना है, कैसे करना है, ये सभी चीजें राजा का काम हुआ करता था।
किसी भी आक्रमण से अपने देशवासियों को सुरक्षित रखना या सुरक्षा देना राजा का मुख्य कर्तव्य होता था। यदि युद्ध की स्थिति आ जाती थी तो राजा सेना का नेतृत्व करता था, मेन इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। यहाँ पर सेनापति नहीं, सेना का नेतृत्व राजा किया करता था। तो चलिए अब आगे शुरू कर देते हैं। अभी हमने देख लिया था मंत्री परिषद और दूसरे अधिकारीगण देखा था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य का हम प्रशासन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें सेना देख लेते हैं, सेना, ठीक है। सेना क्या थी? तो देखिए गुप्त शासकों के पास एक बड़ी सेना थी, ठीक है। और युद्ध के समय, जैसे पहले मैंने बताया था कि राजा जो था उसका नेतृत्व करता था, सेनापति नहीं। तो यहाँ पर युद्ध के समय सेना का नेतृत्व राजा करता था, ठीक है ना। परंतु साधारण सेना का एक मंत्री था, ठीक है ना। और जिसको संधि विग्रहिका है, शांति और युद्ध के अभिधार वाला मंत्री कहा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर राजा, सेना का नेतृत्व राजा करता था और मंत्री की सहायता उच्च अधिकारी करते थे। बहुत से अभिलेखों से चीजें पता चली है, ठीक है ना। यहाँ पर उनके पास पिलुपति यानी हाथियों का प्रमुख, ठीक है, अश्वपति घोड़ों का प्रमुख, नरपति पैदल सेना जो हुआ करते थे, ऐसे अधिकारीगण हुआ करते थे। और सेना को वेतन नगद रूप में दिया जाता था, ठीक है ना। और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी उनकी आवश्यकताएं होती थी, इसके लिए भी एक अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया गया था। और भंडार गृह में बहुत सारे ऐसे चीजें होती थी जिन्हें रण भंडार क्या कहते थे, यानी भंडार गृह को रण भंडार क्या कहते थे। और एक अधिकारी इसके लिए भी रखा जाता था, आक्रमण एवं सुरक्षा के लिए, सेना को हथियार पहुंचाने के लिए काम जैसे हुआ करते थे। जैसे युद्ध के टाइम युद्ध कुल्हाड़ियां, धनुष कमान, नोकधार भाले, बर्छे, तलवारें, ये सभी चीजें जो होती थी एक अधिकारी के द्वारा पहुंचाई जाती थी। फिर राजस्व प्रशासन, ये राजस्व प्रशासन का अलग से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अब राजस्व प्रशासन का मतलब क्या होता है? अब राजस्व का मतलब होता है आमदनी का मुख्य स्रोत जो होता था वो भू राजस्व हुआ करता था, ठीक है ना। यानी जमीन के माध्यम से ही उनको पूरे पैसे और जो भी आय का स्रोत हुआ करता था एक राजा का, वो यही हुआ करता था, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त के समय भी गोपास रमिड़ का उल्लेख मिलता है, एक अधिकारी हुआ करता था जिसको गोपास रमिड़ कहा जाता था। और उसका काम क्या होता था? अनेक प्रकार के काम होते थे। जैसे काम उसका होता था जो खाते होते थे उनकी देखभाल करना, कर्मचारियों की सुरक्षा, निधियों से शाही देनदारी को वसूल करना, कृषि लाभ का निर्धारण करना, ये सभी चीजें वो करता था, जुर्माने की वसूली करना। एक दूसरा और भी अधिकारी होता था जो उससे बड़ा होता था, उसे पुष्टपाल यानी लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कहते थे, ठीक है ना। और किसी भी लेन देन को अंकित करने के पहले उसकी जानकारी प्राप्त करना मेन उसका काम हुआ करता था, ठीक है ना। तो गुप्त शासक जो हुआ करते थे भूमि की जानकारी रखते थे। नाप के लिए एक स्थायी विभाग उन्होंने बना लिया था। भू विभाग राजस्व के एकत्र करने का भी काम उन्हीं का हुआ करता था, ठीक है ना। और राजा को अपने खजाने की उचित देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि निधि सार में कहा गया है और राज्य का जीवन इसी पर टिका होता है। तो ये हो गया आपका राजस्व प्रशासन। अगर हम दूसरा देखते हैं तो कालिदास के नारद स्मृत में भी लेखक में दोनों ये बताते हैं कि राज्य को कृषि उत्पाद का 1/6 भाग को शाही राजस्व के लिए प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको मत लीजिए, यहाँ पर आप इतना लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। प्रांत और जिला और ग्राम देख लीजिए, ये प्रशासनिक व्यवस्था है गुप्त काल की, ठीक है ना। तो संपूर्ण साम्राज्य को जो है देश या राष्ट्र, ठीक है, तो राष्ट्र या भुक्तियों में विभाजित कर दिया। तो देश भी कहते थे, राष्ट्र भी, या भुक्तियां भी कहा जाता था। ये अभिलेखों से भी कुछ नाम निकल कर आए हैं, भुक्तियां, ठीक है ना, राइट। बंगाल में पुंडवर्धन भुक्ति था जिसके अंतर्गत उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आता था। बिहार में तिर भुक्ति था। तो सभी जगह अलग अलग नाम मिलते थे, ठीक है ना। और राजा द्वारा ये भुक्ति जो है रखे जाते थे और जिन पर सीधे शासन किया करते थे, ठीक है ना, राइट। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा भी यही शासन था, जनरली लोगों ने उसको फॉलो किया है, ठीक है, राइट। तो प्रांत को भुक्ति कहते थे, जिले को विषय कहते थे, और इनको इसी नाम पर विभाजित किया गया। तो देश हो गया, प्रांत हो गया, जिला हो गया। तो देश हो गया, भुक्ति हो गया, विषय हो गया, ठीक है ना, राइट, ओके। और इन सभी जगह पे एक अधिकारी नियुक्त होते थे और उन्हीं के अधीन पर लोग काम किया करते थे, ठीक है। उसे नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया जाता था, पूरे देखभाल करना,
ठीक है। और इसी तरह से जो अधिकारी स्थानीय बड़े समुदाय के भुगतियों संबंधित हुआ करते थे, जो जिला कार्यालय के अधिकारी होते थे और उसके नीचे तबके के जो भुगति हुआ करते थे, वो जिला कार्यालय के अधिकारी के ऊपर कर्तव्यनिष्ठ होते थे, उनके ऊपर डिपेंड होते थे, उनकी बातों को फॉलो करते थे, ठीक है, राइट। और जो ये अधिकारी होते थे, इनका मुख्य कार्य प्रबंधन करना होता था, तथ्यों का रख रखाव करना होता था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव होती थी। तो हमने क्या देखा, देश देखा, भुक्ति देखा, प्रांत देखा यानी विषय देखा, अब यहाँ पर गाँव आ गया। और गांव के मुखिया को ग्रामपति या ग्रामाध्यक्ष कहते थे, ठीक है ना। बंगाल से प्राप्त कुछ अभिलेखों से पता चला है, ठीक है, ओके, राइट। तो इतना इसमें हो गया, ओके। और गांव के समाज में भी अन्य दूसरे लोग भी रहते थे, जो बढ़ई गिरी, कताई बुनाई, बर्तन बनाने, तेल निकालने जैसे काम किया करते थे, ठीक है ना, ओके। चलिए आ जाइए, अब आगे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन ही फिनिश्ड हो गया। तो इसमें से भी हमने दो क्वेश्चन लिए, अर्थव्यवस्था और समाज से हम नहीं देखेंगे, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ हम वही लेंगे, ठीक है ना, ओके। तो इसमें और इम्पोर्टेंट ना, अब इसमें कृषि के बारे में यदि हम देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन इसमें था, गुप्त काल में भू अभिदान से आप क्या समझते हैं। ऊपर भी हम बता चुके हैं ना कि ब्राह्मणों को भूमि जो है अभिदान यानी दान की जाती थी, ठीक है ना। तो देखिए कृषि समाज जो था उसमें बहुत परिवर्तन हो रहे थे, बहुत आलेखों से पता चला है कि भूमि को लोग नगद खरीदते थे, ठीक है, फिर खरीदी गई भूमि को ब्राह्मणों को भेंट कर दिया जाता था, और ब्राह्मणों को भेंट करने को भू अनुदान कहा जाता है। एक्चुअली उनके लिए वैदिक बलि का आयोजन किए जाते थे, ठीक है ना। कई बार इस प्रकार की जो भूमि होती थी, जैन या बौद्ध मठों को भी दान की जाती थी, ये भूमि अनुदान है। आप देख लीजिए भूमि अनुदान किन किन लोगों को गुप्त काल में किए जाते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दी जाती थी, और साथ ही साथ में जैन और बौद्ध मठों को भी दी जाती थी। तो अब केवल न केवल भूमि को खरीदा और दान भी दिया जाने लगा था, बल्कि धार्मिक लोगों को भी भूमि जो है दान या भेंट में देने की एक प्रथा बन गई थी। चार लोग आ गए, धार्मिक यानी ब्राह्मण ही हो गए, तो ब्राह्मण हो गया, भूमि जैन हो गया, बौद्ध हो गया। अब धार्मिक कोई भी काम, अनुष्ठान कराना, यज्ञ कराना, कुछ भी कराना है, तो उसको भूमि दान में दे दी जाती थी। तो जो अधिकारी गण किसी न किसी रूप में शासकों की सेवा में हमेशा लगे रहते थे, और अपनी सेवा के बदले में भूमि के बड़े बड़े टुकड़े उन्हें मिलने लगे थे, ठीक है ना। तो ये आप कोई नई बात नहीं थी, ये परंपरा पुराने टाइम से चली आई थी। और जो शासक परिवार होते थे उनकी संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई थी, और जिसके कारण भूमि को प्राप्त करने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई, और खेती बाड़ी का कार्य वे स्वयं नहीं करते थे। जब उन्हें भूमि ज्यादा मिलने लगी, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ब्राह्मण हो गए, आर्थिक कामों में उनको जब ज्यादा ये भूमि मिलने लगी, तो वो खेती बाड़ी स्वयं नहीं करते थे। भूमि दान करने वालों की भरपूर प्रशंसा की गई, और जो कोई दान की गई भूमि को ग्रहण करता था उसके लिए भयंकर परिणामों की धमकी दी जाती थी, ठीक है ना, राइट। तो यही था कि उस टाइम में अगर भूमि अनुदान की हम बात करते हैं, तो भूमि अनुदान व्यवस्था थी किन किन लोगों को की गई, ये आप यहाँ पर देख चुके हैं, ओके। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये भी था कि भूमि के जो मालकाना अधिकार था उन्हीं को नहीं थे, मतलब मालकाना अधिकार उन्हीं को नहीं थे, बल्कि जिन्होंने भूमि को दान किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर मालकाना अधिकार उनके हो गए थे जिनको भूमि दे दी गई थी। तो भूमि के लेन देन से भी यहाँ पर ग्रामीण समाज के महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भूमि का अनुदान, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए भूमि जो है वो लोग खुद खेती नहीं करते थे, एक ऐसा भी यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इतिहासकार का मानना है कि भूमि दान की प्रथा के कारण संपूर्ण किसान आबादी का स्तर जो है समाज में काफी नीचे गिर गया था, ना जो कृषक हुआ करते थे, भूमि अनुदान के कारण उनका स्तर नीचे आ गया था, क्योंकि छोटे छोटे किसान थे जिनको विभिन्न नामों से कृषि बाल, कृषक, किन्नक नामों से जाना जाता था, और उनका सामाजिक का जो आर्थिक स्तर था बहुत नीचा हुआ करता था, अपना जीविकोपार्जन वो खेती किसानी करके ही किया करते थे। तो वास्तविक खेती करने वाले लोगों के बीच एक ऐसा भी वर्ग था जो केवल दूसरों की जमीन पर खेती करता था, क्योंकि उन्हें भूमि जो है अनुदान में दी जाती थी, भेंट में दी जाती थी, और उसके बदले में उसके उत्पाद का एक भाग उसे प्राप्त होता था, ठीक है ना। दासों का भी प्रचलन इस समय हुआ करता था, और खास तौर पे जो स्वामी के खेतों में काम करते थे, घरेलू महिला दासों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता था, ठीक है, राइट। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, भूमि अनुदान हमने एक देख लिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। हाँ दस्तकार और व्यापार वगैरह, इतने कि हम सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रहे हैं तो ज्यादा यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे, हमने ऑलरेडी आपके लिए पहले से क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए हैं।
वर्ण व्यवस्था आप देख सकते हो गुप्त काल का, चलते चलते ब्राह्मण ही सर्वोपर थे, ठीक है ना, राइट। और ब्राह्मणों के बिना समाज की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। समाज को चार वर्गों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटा गया था, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का उन्हीं को कार्य करने होते थे जिनके लिए तय किए गए थे, ठीक है, राइट, ओके। अगर यहाँ पे देखे सबसे ऊंचा स्थान वर्णों में किसका था, तो सबसे ऊंचा और आदर्श स्थान ब्राह्मणों का था, क्योंकि ब्राह्मण लोग राजा पर काफी प्रभाव डालते थे, राजा लोग उनकी बात को मानते थे। राजा जो है दूसरे लोगों से भूमि उपहार के रूप में ब्राह्मणों को मिलती थी, ठीक है, राइट। तो राजाओं एवं अधिकारियों ने न केवल ब्राह्मणों को व्यक्तिगत स्तर पर भूमि उपहार में दी, बल्कि ब्राह्मणों के बड़े बड़े समूहों को दूर दराज के क्षेत्र में भी उन्होंने बसा दिया था, ठीक है, राइट। तो ब्राह्मण बस्तियों को ब्रह्मदेह अग्रहार के रूप में जाना जाने लगा था, ठीक है, ओके। और यहीं से वर्ण विभाजित समाज व्यवस्था भी शुरू हो गई थी। तो वर्ण व्यवस्था का अगर हम देखते हैं तो वही है, वर्ण व्यवस्था यानी कि चार वर्ण होते थे, ठीक है, ओके। और जो ब्राह्मणों का आप लिख दीजिएगा, जो इनका इंपॉर्टेंट जो महत्व था समाज में, अन्य जो उनसे नीचे जातियां क्षत्रिय होते थे वो दान देते थे, ब्राह्मण होते थे दान लेते थे, वैश्य का काम होता था जनरली एक तरह से खेती किसानी इन सब चीजों को करने के लिए, और यहाँ पे शूद्र को सबसे नीचे रखा जाता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ओके, चलिए चलिए। महिला की हालात क्या थे गुप्त काल में, ये देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे उच्च वर्गों की महिला वर्ग की हालत भी निम्न की तरह थी, ठीक है ना। जैसे वाकाटक रानी प्रभावती गुप्त जैसी महिलाओं के पास काफी शक्ति थी, लेकिन महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। सिर्फ शक्तियां उनके पास होती थी बिकॉज वो राजा की वाइफ होती थी, लेकिन उनके पास विशेषाधिकार नहीं होते थे, ठीक है ना, राइट। वो उसका यूज नहीं कर सकती थी। तो ब्राह्मण ग्रंथों में महिलाओं को के अनुसरण करने और नियमों का भी उल्लेख मिलता है, और ये भी कहा गया था ब्राह्मण ग्रंथ में कि महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि उनका अनुसरण करेंगी, सिर्फ परिवार में आदर्श पत्नियां और माताएं बनकर रहेंगी, राजसत्ता से दूर रहेंगी। ब्राह्मण ग्रंथ में महिलाओं के सामाजिक स्थिति को शूद्रों के समक्ष माना गया है, जैसे शूद्र को छुआछूत और उसकी तरह देखा जाता था, अत्याचार शोषण वैसी महिलाओं के साथ भी यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है, ठीक है, राइट। ब्राह्मण महिलाओं को कभी भी भूमि प्रदान की गई हो तो ब्राह्मण महिलाओं को भूमि कभी प्रदान नहीं की गई, सिर्फ ब्राह्मण पुरुष को ही भूमि प्रदान की गई थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो महिलाओं का वो था वो बहुत ही गलत तरीके के था, अच्छा नहीं था महिलाओं का स्तर, ठीक है। संस्कृत को हम नहीं देखेंगे, चलिए, मुझे लगा कहीं PDF वो ना हो जाए, चलिए ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं पुष्पभूत, ठीक है ना। अब इससे क्या क्वेश्चन बनता है, पुष्पभूत एवं हर्ष साम्राज्य का उदय, बिल्कुल। हर्ष का राज्य विस्तार देख लेंगे और उसकी प्रशासक नीति देख लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हर्ष का राज विस्तार देखेंगे, किस तरह से हर्ष का राज विस्तार हुआ था, ओके, राइट। पाटलिपुत्र का पतन, वेरी इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र का पतन ये तो रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। अब पाटलिपुत्र जो है उत्तर गुप्त काल में व्यापार एवं व्यवसाय की अवनत यानी नीचे के कारण, व्यापार एवं व्यवसाय बहुत नीचे आ गए थे, निम्न अवस्था उनकी हो गई थी, और जिसके कारण पाटलिपुत्र का पतन की ओर था, यानी पाटलिपुत्र का यहाँ पे पतन हो रहा था, विघटन हो रहा था, ठीक है, राइट। और राज्य की जो आर्थिक और राजनैतिक सामंतिकरण की प्रक्रिया थी ये भी उसका एक भाग था। तो पाटलिपुत्र का पतन का अगर हम टॉपिक यहाँ पे आप देखो तो पहला आप निकाल सकते हो उत्तर गुप्त काल में व्यापार एवं व्यवसाय के अवनत या नीचे की ओर जाना, कम होना, ठीक है ना। और दूसरा आप ले सकते हो राज्य के आर्थिक एवं राजनैतिक सामंतिकरण की प्रक्रिया, ठीक है। अब ये था कि जो इन स्थानों से नगर में आने वाले जो नगर में व्यापारी आते थे, ठीक है ना, उनका मार्ग कर संग्रह किया जाता था, यानी कि जो व्यापारी इन नगरों में व्यापार करने के लिए आते थे तो उनसे कर लिया जाता था। अब यहाँ पर अधिकारी सैनिक जो अन्य शाही नौकर होते थे इनका वेतन भूमि आवंटन द्वारा किया जाता था, भूमि को बांट करके इनका वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है पाटलिपुत्र बृहद स्तर पर पूर्व सामंतिक्रम की ओर चली गई, ठीक है ना, राइट। और इसीलिए पाटलिपुत्र का जो है यहाँ पे पतन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीन चीजें ले सकते हैं, एक तो कर व्यवस्था भी आप ले सकते हैं कि नगर में आने वाले व्यापारियों पर मार्ग कर संग्रह,
रास्ते का जो कर होता था वो यहाँ पर लिया जाता था, ठीक है, राइट। और एक महत्वपूर्ण घटना और भी ले सकते हैं कि और जो राज थे वो धीरे धीरे अपना प्रसार करने लग गए थे, व्यापार समृद्ध, सोने चांदी के सिक्के की यहाँ प्रचुरता थी। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र का पतन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी से बता देती हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चलिए, पुष्पभूति हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हर्ष देखना है। तो हर्ष को अगर हम देखते हैं तो हम हर्ष की राजनीतिक गतिविधि नहीं देखेंगे, राइट, ओके। हम यहाँ पर हर्ष की राजनीतिक गतिविधि का अवलोकन भी नहीं देखेंगे, यहाँ पर जो है हर्ष का राज विस्तार देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे? हर्ष का राज विस्तार। चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए, हर्ष के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में यदि हम बोले वो कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से थे, अगर इस टाइम का नाम देखें, ठीक है ना। और यहाँ पर थानेश्वर, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी पंजाब के हिस्से उन्हें विरासत में यानी कि वंशानुगत में मिले थे, और उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार उड़ीसा उन्होंने कुछ बनाए थे। तो यहाँ पर हम ये दे सकते हैं कि हर्ष ने जालंधर और हो सकता है कि कश्मीर के राजाओं पर भी प्रभाव डाला था, और दक्षिण में नर्मदा वह सीमा थी जिसके आगे पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था, ओके, राइट। तो ये हर्ष का राज विस्तार है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो चीनी धर्म यात्री युआन च्वांग था, उसने भारत की यात्रा की थी 629 से 645 ईस्वी के बीच में। उसने हर्ष के अधीन कन्नौज को भी बताया कि हर्ष के अंतर्गत कन्नौज भी आता था। वह अपने बुक में लिखता है युआन च्वांग कि शासन अपन शासक अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए क्या करते थे, भ्रमण करते थे, यानी कि वो घूमते रहते थे कि लोग कैसे, उनकी प्रजा कैसी है, वेश बदल के वगैरह, वेश वगैरह बदल के वो घूमा करते थे। हर्ष को बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बताया जाता है, तो उसने महायान शाखा को अपना लिया था, ठीक है। और उसके राज्यकाल में नियोजित बौद्ध संगीत भी किया जाता था, आयोजन किया जाता था बौद्ध संगीत का बहुत बड़ा। और हर्ष अपने मंत्रियों को जो वेतन है वो भूमि दान के रूप में देता था, वेतन के रूप में भूमि को वो दे दिया करता था, भूमि का एक टुकड़ा दिया करता था, ठीक है, राइट। और गैर धार्मिक अनुदान के विषय में यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलती है। हर्ष के द्वारा बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संरक्षण एवं ब्राह्मणों एवं हीनयान के द्वारा विरोध का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था, उसका अनुयायी भक्त हो गया था, फॉलो कर रहा था। तो जो ब्राह्मण और महाबौद्ध धर्म की एक और शाखा है हीनयान, बौद्ध धर्म की दो शाखा है महायान हीनयान, तो महायान का फॉलो हर्ष हो गया, तो यहाँ पर हीनयान और ब्राह्मण जो थे उनका विरोध करने लगे थे, ठीक है ना। अब क्योंकि हर्ष ने जब बौद्ध धर्म का महायान को फॉलो किया तो बौद्ध धर्म को भी उसने बहुत सारे उपहार वगैरह दिए, और जिसकी वजह से शाही खजाने को लगभग एक तरह से खाली हो गया था, ठीक है, राइट। तो ये था यहाँ पर युवान चौहान का वितरण हर्षवर्धन के राज को लेकर के है, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पर हम आगे देखते हैं, हर्ष संबत तो हम नहीं देखेंगे, राज्यकाल का अंत भी आप देख सकते हैं कि तांग शासन ताई सुंग ने हर्ष के दरबार में एक दूत भेजा था, उसने पाया कि हर्ष जीवित नहीं था और उसके सिंहासन पर किसी ने अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ था कि हर्ष का राज्यकाल का अंत हो गया था। राजनीति की बदलती संरचना नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ हर्ष का प्रशासन हम जरूर देखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है हर्ष के राज विस्तार और उसके प्रशासन के बारे में बताइए, तो हर्ष के प्रशासनिक शासन के बारे में बहुत कम विवरण मिलता है, ठीक है। और जो भी प्रशासनिक पद गुप्त के समय से चले आ रहे थे, हो सकता है उनका उतनी कठोरता से पालन नहीं किया गया। तो यहाँ पे एक लेखक का जिक्र आपको करना पड़ेगा, वो है युआन च्वांग का, जो हर्ष के शासन काल में यहाँ पे आया था। वो ये भी कह रहा है कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी, ठीक है, राइट, और बहुत सीमित थी और एवं कर बहुत विनम्र थे। तो जैसे हम गुप्त काल में देखते आए थे कर बहुत ज्यादा लिए गए पतन, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है दास प्रथा नहीं थी और कर थे बहुत सीमित थे, बहुत कम थे, ठीक है। और यहाँ पर एक भी चीज उन्होंने और भी लिखी है कि जो शासक था वो मंत्रियों में विश्वास रखता था, निष्ठा रखता था। और उसने ये भी कहा युआन च्वांग ने कि हर्ष एक उद्योगशील शासक था, और 3 दिन उसका दिन 3 भागों में विभाजित था, नहीं उसके दिन को उसने अपने दिन को 3 भागों में बांट दिया था। पहला था राज्य के वन दो धार्मिक कार्यों को समर्पित करना,
तो दिन का एक भाग राज और दो धार्मिक कार्यों को देता था, ठीक है, और राजकीय मामलों में प्रशासन में धर्म निरपेक्ष पहलू को ज्यादा महत्व तो देता था। धार्मिक मामलों के जो अभावग्रस्त लोग होते थे उनके लिए अस्पताल खुलवाना, दान का वितरण करना, दार्शनिक चर्चाओं का प्रबंध, छाया देना, वृक्षारोपण करवाना, शिक्षा वगैरह की व्यवस्था करवाना, ये हर्ष के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो हर्ष के जो एक मंडल था, क्योंकि प्रशासन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कठोर नहीं था, बल्कि समय समय पर वो लोगों से मिलता था, भ्रमण करता था और लोगों के संपर्क में रहता था अपनी प्रजा के, ठीक है ना, राइट, ओके। और यही उसे प्रशासनिक रूप से दक्ष बनाता था, कुशल बनाता था, ठीक है, ओके, चलिए। हर्ष और सहायक नेताओं के साथ व्यक्तिगत साक्षात करता था, लोगों से प्रशासन को सुनिश्चित करता था, मतलब उसको और अच्छा मजबूत करता था, अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री संबंध रखता था। तो हर्ष के राजकाल में सर्वोच्च उपाधि परम भट्टारक और महाराजाधिराज की हुआ करती थी, ठीक है, और शासकों का सर्वोच्च महान शासक कहा जाता था उसको, ठीक है, राइट, ओके। छोटे शासक राजा या महाराजा के नाम से जाने जाते थे, अपनी सीमाओं में स्वतंत्र हुआ करते थे, ठीक है ना, और साथ साथ संप्रभु शासक जो मेन से हर्ष हो गया तो उसके प्रति अपनी निष्ठा रखा करते थे, ठीक है ना, राइट। लेकिन यहाँ पर भी जैसे सभी जगह होता है, सभी प्रशासक में, सभी कालों में होता है, जो दो प्रमुख अधिकारी थे, बाण एवं युआन च्वांग, ठीक है ना, राइट, लेखक जो ये थे, हमें हर्ष के प्रशासन के विषय में अधिक जानकारी वो नहीं दे पाए। तो बस यहीं पर आप इतना लिख सकते हैं, शासक राज का सर्वोच्च था, वह राज में मंत्रियों और महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक है, और युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था स्वयं, और वह धर्म शास्त्रों में दिए गए आदर्शों के अनुसार शासन करता था। जनरली जो हम गुप्त में देख के आए वही हर्ष के काल में भी मिलता है। तो राजा को प्रशासन में मंत्रिपरिषद सहायता करती थी काम करने में, इसमें परिषद में समान सामंत, जागीरदार, राजकुमार और उच्च अधिकारी हुआ करते थे, और राज दरबार के प्रबंध के लिए विशेष कर्मचारी अधिकारी हुआ करते थे, विभागीय अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है, राइट, ओके। तो इतना आप लिख दीजिए, कुछ अधिकारी हुआ करते थे जो शयन अधिकारी के रूप में भी काम करते थे। जिला एवं प्रांतीय प्रशासन गुप्तों से अधिक भिन्न नहीं था, जो आपने गुप्त में पढ़ा वो आप बड़े आराम से हर्ष में लिख दीजिए, भाई प्रशासनिक हो गया, राज ये नहीं देखेंगे, राजनीतिक नहीं देखेंगे। चलिए ये यूनिट भी आपकी फिनिश्ड हो गई है, अब यहाँ पर ले लेते हैं थर्ड आएगी, फोर, दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो बनते हैं, दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चालुक्य पांडवों और पल्लवों और पांडवों का उदय कैसे हुआ, ठीक है, राइट, ओके, चलिए आ जाइए देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए मध्य छठी शताब्दी तक दक्कन की राजनीतिक स्थिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी इसमें 15 या 16 यूनिट है, ठीक है, ओके। तो मध्य छठवीं शताब्दी तक दक्कन की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो देखिए जब सातवाहनों का पतन हुआ उसके बाद दक्कन पर एक वंश का राजनीतिक कब्जा खत्म हो गया, यानी जो सातवाहनों का वंश चला आ रहा था उस राजनीतिक वंश यहाँ पर खत्म हो गया सातवाहनों के पतन के साथ में, और कई राज अलग अलग क्षेत्रों में सातवाहनों के उत्तराधिकारियों के रूप में आए। सातवाहन पहले एक अच्छा बड़ा वंश था, लेकिन जैसे सातवाहन का पतन हुआ तो बहुत सारे ऐसे राज्य हुए जो अलग अलग हो गए, लेकिन वो सातवाहन के उत्तराधिकारी के रूप में आए थे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर उत्तरी महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, शक राज्यों में सेनापतियों को इन्होंने काम किया था। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य छठवीं शताब्दी तक दक्कन की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे जो शासक हैं उनका जन्म हुआ, जैसे पहले बिदर महाराष्ट्र का देख लेते हैं, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र पठार पर जल्दी ही वाकाटकावी हो गया और तीसरी शताब्दी के अंतिम और चौथी के छोटे राज्यों के रूप में शुरुआत की। ये वाकाटक है जो बहुत शक्तिशाली हो रहा था और तेजी से अपनी गति को बढ़ा रहा था, और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग और उससे लगने वाले मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर उसने कब्जा कर लिया था, किसने, वाकाटक ने कर लिया था। और वाकाटक की दो शाखाएं थी जो अलग अलग क्षेत्रों पर काम कर रही थी, मुख्य शाखा जो थी वो बिदर क्षेत्र में काम कर रही थी, बिदर क्षेत्र में राज कर रही थी जो पूर्वी महाराष्ट्र था, और जबकि भसिन शाखा जो थी, जो भसिन शाखा के नाम से जाने वाले
जाने जाने वाली शाखा थी, वो वहां पर दक्षिणी महाराष्ट्र में शासन कर रही थी। और सबसे मशहूर वाकाटक राजा मुख्य शाखा का प्रवर सेन प्रथम था, प्रवर सेन प्रथम। और सम्राट की उपाधि वाकाटकों में केवल प्रवर सेन प्रथम के पास थी। वाकाटक से क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, राइट, ओके। यहाँ पे भी वही था, वैदिक यज्ञ कराए गए, ब्राह्मणों को भोदान दिया गया, ठीक है। और एक नजरिए में देखे तो वाकाटक लोग बहुत शांति प्रिय और सिंपल रहने वाले लोग थे, और उन्होंने अपने शक्तिशाली पड़ोसियों से उत्तर में गुप्त, पूर्वी दक्कन में विष्णुकुंडी और दक्षिण में कदम जैसे लोगों के साथ इन्होंने क्या किया था, शादी विवाह के जरिए राजनीतिक संबंध बनाए थे, ठीक है। और 6वीं शताब्दी में कलचुरियों और कदम्बों के साथ कदम्बों के अपने अपने क्षेत्र बना लिए थे। फिर कर्नाटक आ जाता है, पहले हमने विदर्भ देखा, महाराष्ट्र, अब कर्नाटक आ गया। अगर हम कर्नाटक की ओर आते हैं तो उत्तरी कर्नाटक की तटीय पट्टी जो थी, इस क्षेत्रों में चुटुओं के एक छोटा राज्य बना रहे, चुटुओं ने, चुटुओं, ठीक है ना। विदर्भ में हमने वाकाटक देखा, अब कर्नाटक में हम चुटु देखेंगे। और 14वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने राज किया था। फिर चुटु को उखाड़ फेंका किसने, कादम्बों ने, ठीक है ना, राइट। और इस राज की स्थापना मशहूर मयूर शर्मन के रूप में हुई थी, और जो मयूर शर्मन था वो छापा मार लड़ाई में माहिर था। जनरली छापा मार लड़ाई जनरली हम लोग महाराष्ट्र में शिवाजी के टाइम में पढ़ते थे, ठीक है। तो इसमें मयूर शर्मन था, और उसने कांची के पल्लवों को अपनी प्रभुसत्ता यानी कि अपनी शासन को मानने पे मजबूर कर दिया था। उसने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए थे और ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गया था, यानी कि उसने अश्वमेध यज्ञ किए, और जो मयूर शर्मन था वो मयूर बर्मन बन गया, यानी ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गया था, ठीक है, राइट, ओके। और कादम्ब राज के इतिहास की शुरुआत में बंटवारा परिवार की दो शाखाओं के बीच में हो गया था। तो अब जो मयूर बर्मन राज था वो दो में बट गया, बैजंती बन गया बनवासी, और पलसिका यानी हलसी राजधानियां दो थी, और कभी भी आपस में शांति बना के नहीं रखे, जो दो दो में बट गया था। हमेशा इनमें अपने पड़ोसियों को लेकर के पल्लव थे, चोल थे, चालुक्य थे, इनसे हमेशा झगड़े हुआ करते थे। फिर पूर्वी दक्कन, विदर्भ, कर्नाटक और पूर्वी दक्कन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्योंकि आप दक्षिण भारत पढ़ रहे हैं, आपका इसका नाम ही है, और दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति ना पढ़े हो ही नहीं सकता है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब उत्तर सातवाहन दक्कन में क्या हुआ कि यहाँ की जो राजनीति थी बहुत अशांति थी। उसका रीजन ये भी था कि यहाँ का जो गोदावरी डेल्टा भाग था, आंध्रा डेल्टा क्षेत्र जो था वो बहुत उपजाऊ हुआ करता था, ठीक है, राइट, ओके। और सातवाहनों ने यहाँ पर बहुत टाइम तक राज किया था, ठीक है, राइट। और यहाँ पर पश्चिम से जो अभीर थे उनके आने के कारण जो इक्षुक हुआ करते थे, यानी सातवाहन होते थे, सातवाहन, सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु ने राज किया, और अभीर के आने से जो इक्ष्वाकु के राज में बाधाएं आई, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए थी। इक्ष्वाकु जो आए वो फिर लौट कर चले गए, और उन्होंने 50 सालों तक राज किया, ठीक है, राइट। और ये क्षेत्र कई जागीरों में बांट दिया गया था। तो ये हो गया, यहीं पर थोड़ा सा देखने को मिलता है जब आप गोत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो गोत्र के राजा आए, फिर संकालयन गोत्र के, जबकि समुद्रगुप्त की प्रशंसा करने वाली प्रयागराज स्तंभ या प्रयागप्रस्थ के अभिलेख में मिलता है। तो आप बस इतना इसमें लिख दीजिए, पूर्वी दक्कन में, ठीक है, ओके, राइट। नाम याद रखिएगा, नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप नाम लिखेंगे ना तभी आपको नंबर मिलेंगे, ये हिस्ट्री यही कहलाती है। अब दक्षिण कर्नाटक में यदि हम देखते हैं तो 5वीं शताब्दी की शुरुआत में एक वंश जो है इसका उदय हुआ था, अस्तित्व में आया था, और इस वंश के राजा गंग या पश्चिमी गंग कहलाए, ये उड़ीसा के पूर्वी गंगों से अलग थे, ठीक है। और पश्चिमी गंगों में 600 साल तक इन्होंने शासन किया था, और इतने लंबे संबंध के कारण क्षेत्र गंगवाड़ी कहलाने लगा। और गंगवाड़ी एक अलग थलग क्षेत्र था, क्योंकि वो पहाड़ियों से घिरा और कृषि की दृष्टि से कहीं कम संपन्न क्षेत्र हुआ करता था। जहाँ पहाड़ी होगी वहां कृषि 100% नहीं होगी, और इसी कारण, इन दोनों कारणों से, यानी कि पहाड़ी और कृषि से संपन्न नहीं था, तो गंग के लोग बिना अधिक बाहरी हस्तक्षेप के कोई वहां आक्रमण ही नहीं करता था, क्योंकि पहाड़ी हुआ करती थी, तो बहुत समय, लंबे समय तक ही वहां पे शासन कर लेते थे किए। लेकिन सैनिक यानी सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण था, उनके लिए लाभदायक था। पल्लवों चालुक्य से इनके टकराव कुछ यहाँ पे हुए थे, ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब देखिए, हमने यहाँ पे दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति तब वो हमने पढ़ लिया, अब इसे आप चाहो तो आप इसे देख सकते हो, उसको भी इसी में लिख सकते हो, ठीक है ना, राइट।
क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि चौथी से छठवीं शताब्दी का इतिहास बहुत अस्पष्ट है, और यही भी आपसे क्वेश्चन दक्षिण भारत का पूछ सकता है कि चौथी से छठवीं शताब्दी तक के दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो जो हमने आपको ऊपर पढ़ाया आप उसे यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए। या दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, लिखना आपको यही है। चलिए, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन आ नीचे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, पल्लव और जो पांड आए, ठीक है ना, तो इन चालुक, पांडव और पल्लव और पांड आए, तो इनके अलावा भी और शक्तियां थी, ठीक है ना, राइट। जैसे गंगों का दक्षिण कर्नाटक में गंगावाड़ी पर शासन चलता था, और उस समय दक्कन और दक्षिण में नोलम, बाड़ू, सिहालर जैसे छोटे छोटे राज्य भी हुआ करते थे जिनकी रियासत हुआ करती थी, और उत्तर भारत की तरह यहाँ दूर लगातार, क्योंकि घाटियां दक्षिण भारत में पर्वत पठार मैदानी तो वो मैदान नहीं पर्वत पठार ही तो हुआ करते थे, घाटियां पहाड़ियां हुआ करती थी, ठीक है ना। तो जनरली ये लोग बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे उन्होंने शासन किया है। रायचूर दुआब में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, निचली कावेरी घाटी, बोंगई घाटी, ऐसी कुछ नदी घाटियां थी जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र थे जो एक दूसरे को काट के रखते थे, और यहाँ पे इन लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक शासन किया है। खेती करने वाले क्षेत्रों को विभाजित करने वाले बड़े बड़े जंगल भी हुआ करते थे, तो राजनीतिक और दृष्टि से भी थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना, राइट। दो जो इंपॉर्टेंट नदियां थी वो बदाबी, रायचूर दोआब, और चालुक पल्लव पलार नदी घाटी थी, ठीक है, राइट। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, विभिन्न शक्तियों, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक हो जाता है, विभिन्न शक्तियों में टकराव कैसे हुआ, तो आप इसे देख लीजिएगा, मैं इसे नहीं लूंगी। इसमें क्वेश्चन होता है कि चालुक पल्लव के बाद और कौन सी शक्तियां अस्तित्व में आई थी, ठीक है, हो सकता है नीचे ही हो इसमें, ठीक है ना, ओके, एनेस्ट उसमें होगा। राजनीतिक संगठन भी नहीं देखेंगे इसमें, प्रशासनिक इकाइयां भी नहीं देखेंगे, स्थानीय संगठन भी नहीं देखेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के बारे में है, दक्षिण भारत की प्रशासनिक इकाइयां कैसी थी बहुत कम दिया हुआ है। श्रेणीबद्ध सोपान में, इकाइयों के श्रेणीबद्ध सोपान में इनको बांट के रखा था, जैसे दक्कन में इकाइयों को विषय, आहार, राष्ट्र आदि कहा जाता था। अगर हम 8वीं शताब्दी से दक्कन में राज्यों को 10-10 गांवों के गुटों में बांटने की रीति थी, यानी कि गांवों को 10-10 में बांटा गया था, और एक जिले में 12 गांव हुआ करते थे, ठीक है, ओके, राइट। पल्लवा राज्य में नाडू प्रशासन की मुख्य स्थायी इकाई के रूप में सामने उभर कर आया था। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, राजाओं ने कृषि और उनकी संपदा तथा शक्ति के मुख्य आधार थे, यानी कि कृषि और जो संपदा हुआ करती थी, प्राकृतिक संसाधन जो भी हुआ करते थे, ये राजाओं की शक्ति हुआ करती थी, और राजस्व जो होता था इन्हीं से उनको मिलता था, ठीक है, राइट। पल्लव काल में यदि हम बात करते हैं तो बुनियादी की राजनीतिक इकाई नाडू का मतलब क्या होता है, नाडू का मतलब होता है खेती योग्य भूमि भी होता था, ठीक है ना, तो खेती योग्य भूमि नाडू का मतलब होता है, काडू या खेती के योग्य भूमि, नाडू यानी खेती योग्य भूमि और काडू यानी खेती के अयोग्य भूमि, और राज्य खेती के प्रसार को बढ़ावा देने की हर एक कोशिश किया करते थे। दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाकर बड़ी बड़ी अनुजुति जमीनों को खेती योग्य भूमि में बदल दिया जाता था, ठीक है, ओके, राइट, ओके। फिर स्थानीय संगठन देख लीजिएगा आप, ओके, चलिए चलिए आगे, विभिन्न क्षेत्र शासकों के संबंध नहीं देखेंगे, ओके, चलिए। सारांश, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने ले लिया। पल्लव पांड और कलचुरी राज्य, इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, पल्लव और कलचुरी राज्य, तो इसमें देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ कुछ यूनिट को हमने लेफ्ट भी कर दिया है क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाए जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके, राइट, चलिए चलिए, ठीक है, आगे देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पांड के बारे में भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ओके, ठीक है, तो इस यूनिट को हम लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इससे हम कोई, हाँ एक है पल्लव पांड संघर्ष, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, पल्लव पांड संघर्ष ये देख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो चलिए इसको हम शुरू कर देते हैं। पल्लव पांड संघर्ष क्या है, अब देखिए शासक जो हुआ करते थे, चाहे जो भी सरकारें हुआ करती थी, ठीक है ना, तो संघर्ष और गठबंधन ये दो चीजें हुआ करती थी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में, वो संघर्ष करते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, और साथ ही साथ में गठबंधन भी किया करते थे, जीत गए तो या हार गए तो दोनों में गठबंधन संधियां हुआ करती थी,
ठीक है राइट। और जो शासन हुआ करते थे सरकारों की उच्च क्रियाकलाप के लिए कि उनका ज्यादा से ज्यादा संसाधन प्राप्त करते थे। अगर कोई राज्य कोई राजा किसी दूसरे के राज्य पे आक्रमण करता है वो जीत जाता है यदि, तो फिर उसके पूरे संसाधन पे उस राजा का हक हो जाता था। और उसके बाद इनके बीच में एक गठबंधन एक संधि हो जाती थी, कितना हम आपसे लेंगे राजस्व भू राजस्व के रूप में कर के रूप में, ठीक है ना। तो वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव लगातार एक दूसरे से युद्ध करते थे। तो चालुक्य और पल्लव वातापी के चालुक्य कहलाएंगे और कांची के पल्लव थे, ये हमेशा से एक दूसरे से युद्ध करते थे। तो जो पल्लव शासक का के महेंद्र शासक था वो महेंद्र बर्मन था, महेंद्र बर्मन प्रथम था, ठीक है राइट। और उसने पल्लव वंश का जो विस्तार है क्षेत्र का विस्तार वो उत्तर से कृष्णा नदी तक किया था। और विष्णुकुंडी पल्लवों के उत्तर में बसे पड़ोसी राज्य बन गए। तो यहाँ पे देखिएगा पल्लव का जो शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम, उसने अपने क्षेत्र का विस्तार कहाँ से किया था, उत्तर से कृष्णा नदी तक किया था। और जो पल्लव थे वो उत्तर में बसे हुए पड़ोसी राज्य बन गए, किसके, पांड के, ठीक है। और जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने विष्णुकुंडी को हराया और विष्णुकुंडी के राज क्षेत्र को चालुक्य वंश का हिस्सा बना लिया। क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पल्लव और चालुक्य की तो पढ़ रहे हैं, तो विष्णुकुंडी पल्लव थे, अब उनको पुलकेशिन जो कि किसका था, चालुक्य का राजा था, उसने विष्णुकुंडी को हरा दिया तो उसके क्षेत्र को उसमें मिला लिया, चालुक्य में मिला लिया। तो चालुक्य राजा ने अपने भाई कुब्जा विष्णुधर को जीते हुए क्षेत्र का वायसराय नियुक्त कर दिया। और बाद में विष्णुवर्धन ने पूर्वी चालुक्य वंश या वेगी के चालुक्य राज की स्थापना कर दी। समझिएगा, हिस्ट्री है, समझना पड़ेगा, ठीक है, ओके राइट। और जो विष्णुकुंडी था जब उसका पतन हो गया तो चालुक्य उत्तर की ओर पल्लवों का पड़ोसी क्षेत्र बन गया। अब विष्णुकुंडी का जब यहाँ पे पतन हो गया, क्योंकि विष्णुकुंडी के बगल में चालुक्य हुआ करते सॉरी पल्लव हुआ करते थे, जब विष्णुकुंडी पे यहाँ पर पुलकेशिन ने उसको हरा के उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जब विष्णुकुंडी का पतन हो गया तो चालुक्य उत्तर की ओर आने लगे और उत्तर की ओर पल्लव थे तो उनका पड़ोसी क्षेत्र देश मान लीजिए बन गया, क्योंकि पहले के टाइम में राज्य को ही देश कहा जाता था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय विस्तार करने वाली नीतियों ने दोनों को युद्धम क्षेत्र से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। महेंद्र वर्मन प्रथम किसका था, पल्लव का, पुलकेशिन किसका था, चालुक्य का था। अपने राज्य का विस्तार करना दोनों जो देश के या दोनों क्षेत्र राज्य के जो राजा थे इनकी महत्वाकांक्षा थी, और इस महत्वाकांक्षा ने एक दूसरे के सामने यानी युद्ध के सामने ला खड़ा कर दिया। अब इन दो वंशों के बीच हमेशा संघर्ष हुआ करते थे, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट एक और था संघर्ष का, कि आप इसको उसमें भी लिख सकते हैं, हेडिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है, टॉपिक डाल के, वंश जो बेगी घाटी में मदुरै के पांडुआ हुआ करते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बेगी घाटी में मदुरै के पांड्या, अब यहाँ पे पांड्या का भी जिक्र आया, अभी पल्लव और चालुक्य पढ़ रहे थे ना, तीन है दक्षिण भारत में, पल्लव चालुक्य और पांड्या। अब ये बेगी घाटी जो थी तो वहां पे पांड्या हुआ करते थे, और इन संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका पांड्या ने अदा की। कैसे अदा की, ये तीनों राजनीतिक शक्तियां समकालीन हुआ करती थी, एक टाइम की हुआ करती थी। और जब एक टाइम पे कोई अपने आप को दो तीन लोग शक्तिशाली बताने लगे, एक जंगल है और उसमें तीन से राज आए और अपने आप को शक्तिशाली बताएं तो क्या होगा, झगड़ा ही तो होगा ना, और बचेगा एक शक्तिशाली के रूप में, या फिर आप अपना क्षेत्र बिल्कुल विभाजित कर लीजिए उस कंडीशन में। यही यहाँ पे भी हुआ, और लगभग एक ही समय पर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकी तीनों यहाँ पर क्षेत्र, पांड्या चालुक्य और पल्लव, ठीक है। तो पांड्या और चालुक्य पल्लवों के पड़ोसी राज्य थे और प्रत्येक अपने क्षेत्र सीमाओं को हर कीमत पर बढ़ाना चाहते थे। पांड्य उपजाऊ कावेरी डेल्टा पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो कावेरी डेल्टा था वो बहुत उपजाऊ था और उस पर पांड्या जो अधिकार करना चाहते थे, ये उनकी महत्वाकांक्षा थी, ठीक है ना। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए चालुक्य जो लगातार पल्लवों के साथ युद्ध में थे उनको अपना राजनीतिक मित्र बनाना अच्छा लगा, किसे, पांड्या को। अब पांड्य ने क्या किया कि चालुक्य को अपना मित्र बनाना शुरू कर दिया, कि राजनीतिक तौर पर सामरिक केंद्र पर अपना यानी कि कावेरी के डेल्टा पे अपना अधिकार करने के लिए वो किसके साथ हो गए, चालुक्य के साथ में हो गए। अब पांड्य शासक ने चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम के साथ संधि कर ली और पल्लव क्षेत्र का कुछ हिस्सा अधिग्रहण करने का प्रयास किया, यानी अधिकार अपने में लेने का प्रयास किया। तो पांड्या भी दूसरे पड़ोसी वंश चेरा के साथ युद्ध में थे,
ताकि अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को विस्तार कर सके, आगे बढ़ा सके और युद्धों को लड़ना जीतना शासकों के लिए हमेशा ही गौरव की बात हुआ करती थी। तो यहाँ पर आप बड़े आराम से इतना लिख सकते हैं जो क्वेश्चन था, पल्लव पांडे संघर्ष, ठीक है, ओके राइट। आप और करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पांड ने पल्लवों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप कर अवसरों की तलाश की कि उनके झगड़े में हस्तक्षेप किया जाए, रोका जाए। और पांड राजा मारा बर्मन राज सिम्हा प्रथम जो था वो चालुक सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय से संधि की और पल्लव राज की गद्दी के लिए चित्रमाया को समर्थन दे दिया। और पांड शासक ने पल्लव राजा वंदी बर्मन द्वितीय को कई बार हराया था, ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो ये संघर्ष था, तीन चार टॉपिक ले लीजिए, लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए पतन नहीं देखेंगे, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं आपके लिए लेके आ गई, ठीक है। देखती हूँ आज से या तो पूरा करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो फिर इसका फर्स्ट पार्ट चल ही रहा है, सेकंड पार्ट कल ले लूंगी, ठीक है ना। कलचुरी, कलचुरी से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, राइट, ओके। कलचुरी का जो जिक्र है वो महाकाव्य और पुराणों में मिलता है, ठीक है ना। कहाँ मिलता है? महाकाव्य और पुराणों में कलचुरी का जिक्र मिलता है। अगर इनकी बात की जाए उदय की, तो वर्तमान समय में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। कुछ इसके महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णराज, शंकरगढ़ और बुद्ध राजा, जिसमें कृष्णराज प्रथम था और बहुत फेमस था, ठीक है, ओके, राइट, ओके। चलिए चलिए, ओके, इनकी शाखाएं भी बहुत थी, रतनपुर के कलचुरी, दक्षिण कोसल के कलचुरी, गोरखपुर के कलचुरी, रायपुर के कलचुरी, ठीक है ना, ओके। ये बहुत सारे इनके क्या थे, शाखाएं हुआ करती थी कलचुरियों की, तो इसे थोड़ा सा देखिएगा, ओके, ठीक है ना। रतनपुर की कलचुरी ने दक्षिण कोसल पर विजय प्राप्त कर ली थी, और रतनपुर कलचुरी से एक और शाखा उत्पन्न हुई, जिसे रायपुर की कलचुरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ओके, राइट। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे है, तो जो अब मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक गांव है, ठीक है ना, और इस शाखा के प्रथम महत्वपूर्ण राजा कोकला प्रथम थे, ठीक है, ओके, राइट। और उन्होंने प्रतिहार सम्राट भोज प्रथम को हराया था और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को भी उन्होंने पराजित किया था, ठीक है, राइट। और जिसकी हार के बाद राष्ट्रकूटों ने कलचुरियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिए थे, तो जनरली राजाओं में ये देखने को मिलता है, ओके। और यहाँ पर जो कोकल्ला था उसने अपने सैन्य कौशल को और ज्यादा कलचुरियों से भी और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके बाद उसका बड़ा बेटा शंकर गड़ा गद्दी पर बैठा, उसकी मृत्यु के बाद बल्लार शाह सत्ता में आया और उसके युवराज प्रथम थे। इस दौरान उनकी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं भी हुई और जिसमें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय और उसके बीच की लड़ाई, जिसमें उसमें पराजित हुआ था। तो कलचुरी का थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो जाए। कलचुरी का शासन प्रबंध कैसा था, ठीक है। शासन प्रबंध में प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, साहित्य, कला, वास्तुकला, ठीक है, राइट। तो देख लीजिएगा प्रशासन, यदि पल्लवों के प्रशासन को समझने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को समझना होगा, तो वंशानुगतता, पल्लवों का जो पल्लवों के पास वंशानुगत राजतंत्र था, जो वंश के हिसाब से चला करता था, जनरली एक के बाद एक, ठीक है ना। और जो राजा होते थे अपने राज को सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे, जनरली जो हमने गुप्त में देखा था, गुप्त काल में देखा, हर्ष में देखा, वही यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। न्यायपालिका विभाग के सर्वोच्च प्रमुख हुआ करते थे, सेना के सर्वोच्च नेता आदि हुआ करते थे, इसीलिए उनको धर्म महाराज की उपाधि दी जाती थी, किसको, राजा को दी जाती थी, ठीक है ना। तो अपने राज का संचालन करते थे, पल्लव प्रशासनिक प्रणाली जो है अच्छी तरह से चलाई गई थी, और अमात नामक नियुक्त मंत्री जो है राजा को सेवाएं सहायता प्रदान करता था, राय मशवरा दिया करता था, सरकारी विभागों का नेतृत्व शाही सदस्यों को दिया जाता था, जिसे शाही कुमार किया करते थे, शाही परिवार के सदस्य हुआ करते थे, उसके अलावा प्रतिष्ठित सेना अधिकारियों को भी शाही विभागों में काम दिया जाता था। तो राजवंश के पास एक सुव्यवस्थित सेना भी होती थी, और पल्लव साम्राज्य के प्रशासनिक विभाग गुप्त साम्राज्य के समान था, मैंने कहा ना जो गुप्त साम्राज्य में था वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और राज के क्षेत्र को पल्लव शिलालेखों में राष्ट्र, देश या मंडला कहा जाता है, ठीक है। तो पूरे राज्य या राष्ट्र को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया, कोट्टम और नाडु, नाडु का देखा था ना, जो कृषि उपयोग की भूमि, उपयोग वाली जो भूमि है। तो कोट्टम राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी होता था जो देख रेख करता था, ग्राम सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी प्रशासनिक, गांव के प्रशासन की देखभाल के लिए कई स्थानीय विधानसभाएं होती थी जो प्रकृति में स्वायत्त हुआ करती थी अपने आप में, सभा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते थे। सभा
सभा में ब्रह्मदेव गांव यानी ब्राह्मणों को दिए गए गांव पाए जाते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को जो भू अनुदान दिया जाता था उनको नामों में बांटा गया था, दो नामों में बांटा गया था, एक तरह से एक गांव ही बसा दिया गया था ब्राह्मणों का भू अनुदान में देकर के, तो ब्रह्मदेव गांव नाम रख दिया गया था, ठीक है ना। और ऐसी सभाएं जिनमें सदस्य ब्राह्मण जात के हुआ करते थे और उनमें विभिन्न जातियों के लोग शामिल हुआ करते थे। मंदिरों का प्रबंध करना, सिंचाई टैंकों की मरम्मत करना और दानशील कार्यों करना, ये सभी हुआ करता था पल्लव वंश के लिए। देख लीजिएगा, पल्लव प्रशासन आएगा तो आप इसको लिखिएगा, ठीक है, राइट, ओके। जो ग्राम था कृषि योग्य और बेकार भूमि जल निकाय जैसे नदी, झीले, कुएं, सिंचाई टैंक वगैरह काम इन्हीं के अंतर्गत हुआ करता था, ठीक है, ओके, राइट। और चट्टानों पेड़ों में भी एक महत्वपूर्ण लेखा जो काम इन्हीं को करना पड़ता था, ओके। तो देवदान, अग्रहार, देवदान मंदिरों को दी गई भूमि, अग्रहार ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग के समूह को दी गई भूमि, ये हुआ करती थी, ठीक है, राइट। कर भी होते थे इराम, कानम, पूंछी, मातम, ये सभी हुआ करते थे। तो देख लीजिएगा पल्लव का प्रशासन कैसे होता था, ठीक है, ओके, चलिए। अर्थव्यवस्था हम नहीं देखेंगे, ओके। यहाँ पे मिक्सअप दिया है सभी का, प्रशासन करचुरी का भी है, पल्लव का भी है, पांड का भी है, सभी का मिक्सअप दिया हुआ है। और जनरली आप में सिमिलरिटी पाएंगे इनमें, गुप्त में, हर्ष में, पांड, पांड, पल्लव, चालुक्य, और इसमें जो मेन चीज थी वही थी कि इनके प्रशासनिक का जिन भागों में बटे, तीन भागों में बांटा था, ब्राह्मणों को भू अनुदान में देना, ठीक है ना, और राजा सर्वोच्च हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था, सभी काम वो किया करता था। ये कुछ चीजें हैं जो आप इसे टॉपिक बना के नोट कर लीजिए, विशेषताओं के रूप में लिख लीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए, बस नाम बस अलग अलग याद रखिएगा, ठीक है ना, ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। क्योंकि उन्होंने फॉलो किया था जो पहले से चले आ रहे वो थे प्रशासनिक संरचनाएं थी राजाओं को, उनको उन्होंने फॉलो किया था, ठीक है ना, ओके, राइट। चलिए अब आगे यहां पर देख लेते हैं, ओके। धर्म अगर पल्लव का देखते हैं तो ब्राह्मणवादी धर्म के विकास में पल्लवों ने योगदान दिया था, ठीक है। उन्होंने अश्वमेध वैदिक यज्ञ किए थे और पल्लवों में तो था कि राजा ने महीर समरण नाम था ना, और फिर उसने अपना नाम बदल के बर्मन क्या कर महेश समरण और महेश बर्मन नाम रख लिया था ना, ब्राह्मण बन गया था, ये पल्लव का, हाँ ये देखिए महेंद्र बर्मन, ठीक है ना, राइट। और ये प्रारंभिक चरण में जैन धर्म का पालन किया, लेकिन एक नयन मार्शंत अप्यार के नाम से जाना जाता है ब्राह्मणवादी आस्था में परिवर्तित हो गया था। तो ये महेंद्र वर्मन ने क्या किया था, एक तरह से धर्मांतरण जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने ये किया और ब्राह्मण बन गए थे, शिव के उपासक बन गया था ये, और मत्य विलास प्रहसन राज में विभिन्न धर्मों के अनुयायी थे। यहाँ पर एक थोड़ा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, धर्म को लेकर यदि आ जाता है तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली वैष्णव बाद शैव धर्म के अनुयायी के रूप में पल्लव शासक जाने जाते हैं, ब्राह्मणवादी मानता को उन्होंने संरक्षण दिया था, ठीक है, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंदिर निर्माण की परंपरा भी दक्षिण भारत में इन्हीं लोगों ने शुरू करवाई थी, ठीक है, ओके। हिंदू और जैन मंदिरों की संख्या लगभग 80 थी, और एक बौद्ध विद्वान धर्मपाल जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बने थे, कांचीपुरम से थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म शाही संरक्षण नहीं पा सके, बल्कि शाही संरक्षण उसको मिला था वैष्णववाद यानी ब्राह्मणवाद को मिला था, ठीक है, ओके, राइट। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, मंदिरों का भी उन्होंने निर्माण कराया, स्थापत्य कला यदि आता है, ठीक है ना, धर्म का, तो आपको धर्म कला तो यही आपको लिखना पड़ेगा। किसी विशेष देवता की भक्ति, लड़ाई में जीत का पूर्ण स्मरण, अपनी शक्ति पर जोर देना, ये उस काल के राजाओं के मेन चीज हुआ करते थे, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं, पल्लवों का भी दिया हुआ है, पल्लवों ने भी पांड शासकों की तरह वैदिक यज्ञ करवाए थे, वैदिक देवताओं के उपासक ये हुआ करते थे, और ब्राह्मणों ने तमिल समाज में एक उच्च स्थान अपना बना लिया था। ये देखिएगा संगम युग के दौरान तमिलाहम, जो तमिलाहम होता है, तमिलाहम को 5 मुख्य तिन है यानी भौतिक विभाजन में विभाजित किया गया था। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले हिस्ट्री का पेपर था, मैंने उसमें तमिलाहम पढ़ाया था, शायद BHIC 133 और 103 था, उसमें मैंने तमिलाहम पढ़ाया था, दक्षिण भारत का ये था। और तमिलाहम का मतलब यहाँ पे 5 मुख्य तिनय होती थी, यानी जो जो प्रदेश हुआ करता था वो 5 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, ओके, देख लीजिएगा यहाँ पे शायद, ओके, तो इसे देख लीजिएगा।
हालांकि तमिलनाम आएगा नहीं, और पांड्य साम्राज्य में शैववाद वैष्णववाद ज्यादा जोरों पे आ रहा था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सह अस्तित्व में साथ साथ में चल रहे थे। जैन धर्म बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे उस दौरान, और दोनों ने क्षेत्र में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से शैव वैष्णववाद फिर से आ गया था, मतलब एक बीच में जैन और बौद्ध धर्म ने जोर पकड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से भक्ति परंपरा का उदय हुआ। दक्षिण भारत से मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है, भक्ति परंपरा आगे चल के हम पढ़ेंगे यही था, फिर से शैव विष्णुवाद का उदय हो जाना, ब्राह्मणवादी आना। और चेद के कर्चनी ने ब्राह्मणवादी धर्म को विशेषकर शैव धर्म को शाही संरक्षण दिया था। विष्णु और शिव की पूजा और धार्मिक प्रतिष्ठान के रखरखाव के लिए कई भूमि अनुदान किए गए थे। ये क्वेश्चन मैं इसमें पढ़ा रही हूँ, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है पल्लव का, चालुक्य का और पांड का, कर्चुरी का धर्म के बारे में, ठीक है ना यार। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसका, कर्चुरी के यदि हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कर्चुरी के बारे में दिया हुआ है कि उनके पुत्र उत्तराधिकारी लक्ष्मण राज भी शिव भक्त थे और शक्ति उपासना भी प्रचलित थी। योगिनी पथ की प्रथा यहाँ पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी और 64 योगिनियां यहाँ पर कुल थी, और ये मंदिर जो है जबलपुर में बना हुआ है, 64 योगिनी का एक मंदिर। तो खजुराहो में भेड़ा घाट साइड, और तो भेड़ा घाट में जबलपुर में आप देखिएगा, वहां पे 64 योगिनी का मंदिर बना हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म का प्रचलन यहाँ पे था, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर मुझे लगता है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, देख लेते हैं। कला और वास्तुकला, देखिए वही मैं आपसे बोल रही थी कि जो राजवंश थे, अब इन राजवंश का मतलब चालुक्य पांड और चोल और साथ ही साथ में कलचुरी जो राजवंश, हम चार को एक साथ में ले रहे हैं, इनके अंतर्गत कला और वास्तुकला क्या क्या थी। ठीक है, तो वास्तुकला जो थी किन कारणों से प्रभावित हुई थी, तो संबंधित क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता का कम होना, राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, राजनीतिक संघर्ष में उलझे रहना, राजाओं की पसंद भी ऐसी हुआ करती थी, कारीगर के कौशल और विश्वास प्रणाली। ठीक है, तो विशेष राज की वास्तुकला निम्न कारणों से प्रभावित हुई थी, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है क्वेश्चन आपके लिए। आप जैसे देख लीजिएगा, इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा ना इन चारों को एक साथ मिलेगा, हो सकता है दो पूछ ले, पल्लव और पांड पूछ ले, हो सकता है पल्लव चालुक पूछ ले, पांड चालुक पूछ ले, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो पल्लवों और पांडवों ने ग्रेनाइट का उपयोग किया था मंदिरों के निर्माण के लिए, कोई कठोर चट्टान हुआ करती थी, ठीक है ना, और नरम चट्टानों को काटना और कठोर चट्टानों को आकार देना आसान नहीं था, ठीक है, राइट, ओके। तो इसलिए कुशल कारीगरों के यहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यकता हुई, और ऐसा कहा जाता है कि शायद पल्लव और पांडवों द्वारा बनाए गए गुफा मंदिरों को एक तरह के कारीगरों द्वारा ही बनाया गया, तो एक ही तरह के कारीगर थे जिन्होंने यहाँ पर गुफा और मंदिर बनाए थे, और इनके निर्माण के लिए क्या किया गया था, ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था, ठीक है ना। अगर दक्षिण भारत में चट्टान तराशने वाले वास्तुकारों ने द्रविड़ शैली की नींव यहाँ पर रखी थी, ठीक है, द्रविड़ शैली, पल्लवों ने शैली की शुरुआत जो है पल्लवों को दिया जाता है। वास्तुकला की पल्लव शैली का विकास शासकों के साथ में हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, शायद इनको एक तरह से एक पेंटिंग थी उसके रूप में इनको जाना जाता है, नरसिंह वर्मन, राज सिंह वर्मन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने चित्रकला पे भी योगदान दिया था, कैला शैली पे इनका नाम ज्यादा आता है, कैला शैली तो वही है पेंटिंग वगैरह के लिए, ठीक है ना, राइट, ओके। पल्लव वास्तुकला जो है रॉक कट, पत्थर को काटकर मंदिर बनाना, ये इन 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 लोगों के टाइम में ही विकसित हुई थी। तो पल्लव वास्तुकला के विकास के चार विभिन्न चरण यहाँ पर है। महेंद्र शैली कही जाती है जो एक शाही उपाधि चट्टकरी से भी जाना जाता है, मंदिर निर्माण के लिए जानी जाती है, पत्थरों को काट करके गुफा मंदिरों का निर्माण यहाँ पे किया गया था, ठीक है, ओके। तो देख लीजिएगा विशेषताएं अगर इस शैली की जाए, महेंद्र शैली की, तो घन स्तंभ होता था, गोलाकार होता था, दो सशस्त्र द्वारपाल रक्षक बनाए जाते थे, ठीक है। फिर शैली में गुफा मंदिर के कुछ उदाहरण भी यहाँ पर हैं, ये देख लीजिए। फिर ममला शैली आती है, ये नरसिंह वर्मन प्रथम या ममला जो है मंदिर निर्माण के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, शुरू में मंदिर निर्माण इसमें किए गए थे। और ममल्ला शैली एक महत्वपूर्ण विशेषता मंदिरों के स्तंभ से है, जो शैली में वे मोटे भारी और शंकुधारी शीर्ष के आकार के होते थे, अब वे लंबे पतले और अधिक सजावटी होते थे और अच्छे दिखते थे, ठीक है, ओके, राइट। चलिए इसलिए इस शैली को पल्लव वास्तुकला की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता पेश की, यानी स्तंभ,
सिंह बियार से सजाया गया था, स्तंभ जो बनाया गया था मंदिरों का उसमें सिंह को शेर को किया गया था, और इस शैली के द्वारा पल्लव वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ था। चट्टानों को काटना, रॉक कट शैली जो थी पहली बार यहाँ पे देखी गई थी। महाबलीपुरम, मल्लापुरम यानी कांचीपुरम तमिलनाडु में सात पैगोडा खंड यहाँ पर रथ के निर्माण के लिए बनाए गए थे, जो आज भी प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है ना। द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ यहाँ बनाए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कला और वास्तुकला किसकी, या तो आप दक्षिण भारत की कह लीजिए आएगा तो आपको ये लिखना है, यदि पल्लव चालुक्य चोल कलचुरी से आता है, जनरली पल्लव चालुक्य से आएगा तो आपको यही लिखना है, ठीक है, ओके राइट। चलिए यहाँ पे इमेज भी कुछ दिए हुए हैं, अपराजिता स्टाइल है, तो इस तरह से अगर आप इसको डाल के लिखेंगे राजसिम्हा शैली, तो आपको बस शैली नाम याद कर लीजिए, शैली क्या है। राजसिम्हा शैली में मुकुंद मंदिर सोर निर्माण किया गया, कैलाशनाथ मंदिर निर्माण किया गया, चट्टान के खंडों का उपयोग यहाँ पर एक के ऊपर एक रखे गए, चट्टान के खंडों का उपयोग किया गया, तो ये कुछ तकनीकी थी जो अपनाई गई थी उस टाइम में, ठीक है ओके। तो पल्लव शासकों द्वारा अधिकार में लिए गए इसका स्मारकों में एक और विशेषता उनकी दीवारों पर पाए जाने वाले कलात्मक मूर्तिकला पैनल की है, जो मूर्तिकला भी पाई गई दीवारों पर बनाए गए, जैसे महिषासुरमर्दिनी मंडप में जो पत्थर को काट कर बनाया गया दीवार पर एक विशाल मूर्तिकला पैनल, उसमें एक भयंकर शेर का सवार, अष्टभुजा देवी दुर्गा और राक्षस भैंस के सिर वाले राजा महिषासुर के बीच युद्ध का दृश्य दिखाया गया, महिषासुर को हारते हुए दिखाया गया है। रॉक कट यानी पत्थर को काट करके गुफा मंदिर में भी विष्णु सियासी की कम उम्री नक्काशी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत ये आएगा, दक्षिण भारत या पल्लव या चोल का, ठीक है देख लीजिएगा। तो पल्लव वास्तुकला मुख्य रूप से धार्मिक है, और पल्लव शासकों ने मुख्य रूप से मंदिरों के निर्माण समर्थन किया था, और धार्मिक संरचनाएं विष्णु और शिव के देवताओं को समर्पित कर दी थी, ठीक है ओके राइट। और पल्लव मंदिरों के छोटे शिखर अब बहुत ऊंचे हो गए थे, ठीक है ओके। और पल्लव वास्तुकला ने दक्षिण पूर्वी एशियाई मंदिर वास्तुकला को भी प्रभावित किया। क्वेश्चन, पल्लव वास्तुकला ने दक्षिण पूर्वी एशियाई मंदिर वास्तुकला को कैसे प्रभावित किया, समझाइए, तो ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पांडवों की वास्तुकला संरचनाओं की विशेषताएं दी हैं, अभी हम पल्लव की देख रहे थे, अब पांडवों की देख लीजिए क्या विशेषताएं हैं। तो पल्लवों की वास्तुकला के समान ही दिखाई देती है, पांडवों की भी ना, पांड जो होते हैं इनकी जो वास्तुकला थी वो पल्लवों के समान ही है। अब जैसे नरम पत्थर यहाँ नहीं था, इसलिए उनके कारीगरों की नक्काशी के लिए कठोर पत्थर यानी ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, तो नरम पत्थर की जगह कठोर पत्थर का इस्तेमाल किया गया, ग्रेनाइट का। और हो सकता है कि इन दो राजवंशों के अंतर्गत काम करने वाले कारीगर एक ही समूह के हों, जो पल्लव के यहाँ जिन्होंने काम किया हो सकता है वही कारीगर पांडव के यहाँ ने काम किया हो, ठीक है ना, क्योंकि ये इनकी जो नक्काशी होती थी, जो तकनीकी होती थी, वो सेम ही होती थी, तो हो सकता है ये साझा करते रहे हों। पांडवों की वास्तुकला इसके निष्पादन में तुलनात्मक रूप से सरल थी, पल्लवों की तुलना में पांडवों की वास्तुकला सरल थी, और पल्लवों की तुलना में इसकी संरचना में छोटी थी। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पे विशेषता पूछ दे आपसे, पांड और पल्लवों की वास्तुकला में क्या अंतर था बताइए। विशेषता तो आप लिखेंगे, लेकिन पांड और पल्लव का यदि वास्तुकला में अंतर पूछ लिया तब आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना ओके राइट। तो पांडवों की वास्तुकला जो थी सरल थी किसके, पल्लवों की तुलना में, और पल्लवों की तुलना में संरचना भी पांडवों की छोटी हुआ करती थी। जैसे पांडवों के मंदिर के खंभे बहुत अलंकृत, बहुत सजाए हुए नहीं थे, सिंह ब्याल जैसे किसी विस्तृत को यहाँ पे देखा नहीं गया, ठीक है, उनका रूपांकित रूपा मतलब एक तरह से अंकन नहीं मिला। और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लव वास्तुकला का विकास राव काट गुफा से लेकर अखंड संरचनाओं तक हुआ था, तो स्थापत्य शैली अधिक उन्नत थी यहाँ पर, ठीक है, किसमें, पांडवों में। और पांडवों द्वारा निर्मित जो स्थापत्य संरचना थी वो चट्टान काट करके वास्तुकला के प्रारंभिक चरण में देखी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अंतर हो गया किसमें। कुछ विद्वान मानते हैं कि दक्षिण भारत में राख काट यानी चट्टानों को काट कर गुफाओं की परंपरा पांडवों द्वारा ही शुरू की गई थी, ना कि पल्लवों द्वारा, ठीक है राइट। कावेरी नदी की दक्षिण में हमें पांडवों की गुफा मंदिर में कुछ चीजें मिलती हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इससे भी कह सकते हैं। लेकिन जब पांडवों का पुनरुत्थान हुआ, फिर से वो अपनी शक्ति खोने के बाद फिर दोबारा आए, तो इस शैली में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, यानी द्रविड़ियन वास्तुकला शैली के विकास में योगदान हुआ। और यहाँ पर मंदिर में विशाल अलंकरण वाले द्वार बनाए गए, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम की ऊंचाई जो है
बहुत ऊंची हुआ करती थी। शाही चोलों के दौरान विमान गोपुरम की तुलना में लंबा बनाया गया था। मंदिरों के गोपुरम पर ध्यान अधिक दिया गया था, ठीक है। गोपुरम पर अत्यधिक अलंकृत चीजें बनाई गई थी। मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है, और तिरुनेवेली में नैलाम्बियार मंदिर जो है, कुछ इसके उदाहरण देख रही है। देखिए ये होता है तोरण द्वार, ये चीजें जो है बहुत ऊंचाई में बनाई गई थी इस तरह का। तो कुछ ये चीजें दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, पल्लव और पांड की कला और स्थापत्य शैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये यूनिट भी फिनिश्ड हो गई है। अब हम लेंगे 6, कदम में बादामी के चालुक्य चोल और होशाल। इसमें से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस यूनिट को हम यहाँ पर लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, होशाल कहीं कहीं पे लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं नहीं लूंगी। 15 यूनिट है, 15 में अगर आप एक यूनिट भी लिफ्ट कर देते हो जो ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। अब जैसे पुलकेशिन द्वितीय के तहत चालुक्य शक्ति के उद्भव हम शुरू में भी देख चुके थे। पुलकेशिन ने किसको हराया था? विष्णुदेव जो था उसको हराया था, और जो पल्लव के जस्ट बगल में रहा करता था उसका क्षेत्राधिकार था। तो ये सब चीजें आप अपने से भी लिख सकते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चोल का थोड़ा सा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि चोल की सत्ता थी, सत्ता का केंद्र कावेरी घाटी थी, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, और तमिल के सबसे बड़े क्षेत्रों में बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था चोल ने, ठीक है, राइट। क्योंकि ये खुद को सूर्यवंशी मानते थे चोल। ओके, चोलों की प्रशस्तियां इतिहास पुराण परंपरा पर आधारित है। इतिहास पुराण में भी इनके बारे में वर्णन किया गया है। चोलों की वंशावली में राजा के पद को प्रतिष्ठित तो बहुत पूर्ण माना गया है। राजा के शासनकाल के 8वें साल से लेकर आगे तक के समय में तमिल में कीर्ति में वंशावली रूपी प्रमाण नहीं पाए गए। चोल के बारे में नहीं आता है, उद्भव के बारे में तो आप लिख सकते हैं। चोल खुद को क्षत्रिय वंशज बताते हैं, इस बात के प्रमाण भी हैं। उन्होंने क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। राजा के नाम के साथ बर्मन को जोड़ा था, वे खुद को क्षत्रिय बताते थे, आदित्य बर्मन जैसे हुए, ठीक है। ओके, चोल शासक के दौरान बकायदा राज्याभिषेक समारोह भी हुआ करते थे। ओके, चलिए, अभिषेक अनुष्ठान क्षत्रिय स्तर पर यहाँ पे हुआ करते थे। वीर चोल द्वारा किए गए अनुदान से पता चलता है कि राजा को ब्राह्मणों जैसे नैतिकता पर उपदेश देने वाले धर्मोपदेशता यहाँ पे बताए, यानी ब्राह्मण यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। उनको भी भूमदान दिया जाता था, और राजाओं के पूर्वजों को स्वर्ग मिलता था, यानी ब्राह्मणों को भूमि देने से जो राजा के पूर्वज होते थे तो उनको स्वर्ग मिलता था, ठीक है ना। ओके, राइट। तो यहाँ पर भूमदान के जरिए राजा गैर बस्तियों वाले क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित करने के प्रयास करते थे, जो हम गुप्त में भी देख चुके हैं और सभी में देख चुके हैं, ठीक है। ओके, राइट। और यह अनुदान केवल धर्माद उद्देश्य के लिए नहीं होता था, यही होता था, गैर बस्तियों वाले क्षेत्र को कृषि में परिवर्तित करना, इसलिए वो दिया करते थे। जैसे संक्षिप्त में चोलों के क्षत्रिय विस्तार बताए तो बता दिया, यह आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, उर एवं नाडु हम नहीं देखेंगे, स्थानीय प्रशासन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, अब इस यूनिट को हम यहाँ पे लिफ्ट करते हैं, हम आगे ले लेते हैं। ओके, ब्रह्मदेव नगरम में बटा हुआ था, ठीक है। आज हाफ लेते हैं, हाफ कल ले लेते हैं, ठीक है ना। 15 है ना, तो 6 हमने करा दिया, 7 ले लेते हैं। होशाल आ गया, होशाल से मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछेगा। गुप्त चालुक्य चोल इतने सारे ऑलरेडी हैं, है ना, दक्षिण भारत में कुछ और भी लोग हैं, कि होशाल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, चलिए, अब वो एक गुरु के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कैसे बनाते हैं। उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था और समाज, इससे क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है उत्तर गुप्त काल में, ठीक है ना। तो अगर उत्तर गुप्त काल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन महिलाओं की स्थिति के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन यदि पूछ सकता है कि उत्तर उत्तर गुप्त काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए थे। उत्तर गुप्त काल जब आया तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, तब आप ये लिख दीजिएगा। मेंशन नहीं किया था, आप करना चाहूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो देखिए, गुप्त काल के बाद के जो नगर थे, कौन से नगर थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशाम्बी जो थे,
वो जनरली लुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे। और शहरी बस्तियों का हास जो था, कोई मतलब कि शहरी बस्तियां भी यहाँ पे एक तरह से उनका विनाश हो गया था, पतन हो गया था, ठीक है ना। तो एक सामान्य विशेषता थी ये, गुप्त काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए। फिर बहुत से कारणों से जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनको भी यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ, और जो भी आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां थी, जो एक्टिविटी थी, वो बहुत धीमी हो गई थी, अवनत की ओर आ गई। पहले भी गुप्त साम्राज्य में पड़े थे, पतन का कारण था ये। पतन के कारण में भी आप लिख सकते हो गुप्त साम्राज्य का विघटन में, ठीक है, यही हमने पढ़ा भी था। ओके, यानी समय से पहले ही सिक्कों का निर्माण जारी होना बहुत सीमित स्तर पर हो गया था, तो एक ये भी रीजन था। तो दो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, उत्तर गुप्त काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ निश्चित परिवर्तन हुए थे। क्या परिवर्तन हुए थे? तो परिवर्तन गुप्त काल के प्रारंभ में ही हो गए थे, और यह मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था थी, भूमि अनुदान, व्यापार का हास, वाणिज्य और नगरीय जीवन, धन की कमी, कृषि का प्रसार और समाज का बढ़ता कृषि चरित्र, ठीक है, उत्पादन और उपभोग की अपेक्षाकृत बंद स्थायी का, यही विशेषताएं थी अर्थव्यवस्था की। क्वेश्चन दो तरह से, पहला क्वेश्चन उत्तर गुप्त काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तो आप ये लिखेंगे जो यहाँ पे अभी मैं आपको हेडिंग बताऊंगी। और यदि बोलता है उत्तर गुप्त काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, तब भी आप ये लिखेंगे, परिवर्तन विशेषताएं दोनों में एक लिखना है। अब क्या क्या परिवर्तन हुए? तो पहला परिवर्तन देखिए जो मेन था वो था भूमि अनुदान, क्योंकि भूमि अनुदान दिया, एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं गुप्त काल में के विघटन पतन में भी लिख सकते हैं, इतना ज्यादा भूमि अनुदान किया गया था कि अब कृषि के लिए जमीनें कम रह गई थी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सैनिकों का वेतन भी नगद की जगह क्या दिया जाता था, भूमि अनुदान दिया जाता था, तो राजस्व घाटा यहाँ पे कम हो गया था। अब जब भूमि अनुदान कर दिया जाएगा और यहाँ पे जब कृषि कम होगी तो व्यापार को भी नुकसान होने लगा, दूसरा रीजन इसी से निकल के आ रहा, व्यापार का नुकसान होना। वाणिज्य और नगरीय जीवन वेरी इंपॉर्टेंट था, जो वाणिज्य यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी वो भी डगमगा गई थी, नीचे की ओर आ रही थी, और नगरीय जीवन था उसका भी धीरे धीरे ह्रास होने लगा था गुप्त काल में। अब सीधी सी बात है, जब भूमि अनुदान होने लगा, व्यापार डगमगा गया, आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई, सभी चीजें, तो धन की कमी तो होनी होनी है। इन्होंने सिक्के भी जारी कर दिए, सिक्के सोने चांदी के थे, ठीक है ना, तो लोगों के पास तंगी तो पहले से यार लेती थी, ऊपर से उन्होंने सिक्के जारी कर दिए। कृषि प्रसार और समाज का बढ़ता कृषि चरित्र, तो कृषि प्रसार जो था वो तो कम ही था, और समाज जो वो ज्यादा बढ़ रहा था। तो ये आप इसको बड़े आराम से विशेषता में और उसके पतन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके राइट। चलिए अर्थव्यवस्था हम नहीं देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ओके। जैसे सिक्कों की हस्ती के यहाँ पे सबको एक्सप्लेन किया, ये देखिए, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था का उदय एक स्वाभाविक परिणाम रहा है, ठीक है ना, राइट। तो यही है यहाँ पे जो भी हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पर, मतलब क्या परिवर्तन हुआ गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहले व्यापार का ह्रास हुआ था, ठीक है, ओके राइट, ओके। व्यापार का ह्रास कैसे हुआ इसे देख लीजिएगा, भारत में व्यापार में मुख्य वस्तुएं रेशम मसाले थे, और यहाँ पर लोगों ने कीड़े से पैदा होने वाली रेशम को कला की सीख लिया था, तो रेशम का व्यापार बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हुआ था, ठीक है। और जो पश्चिम और एशिया से हूण आक्रमण हुए थे उसके बाद तो 100% खत्म हो गया था, ठीक है, ओके। सिक्कों की कमी भी होने लगी थी, कुषाण एवं गुप्त काल में सोने के सिक्कों की जो बहुतायत थी, जो बहुत ज्यादा में बनाए जाते थे, 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद जारी होना बंद हो गया था। तो चांदी और तांबे के सिक्कों की अनुपस्थिति भी, यानी चांदी और तांबे के सिक्के यहाँ पर नहीं बनाए गए थे, बल्कि यहाँ पर सोने के ही सिक्के ज्यादा तौर पर बनाए गए थे। तो गुप्त काल के सोने के सिक्कों में सोने की मात्रा का अनुपात लगातार घट रहा था, और बाद के गुप्त सोने के सिक्कों में सोने की मात्रा कुषाण सोने के उसके कुषाण के टाइम में आधी रह गई थी। तो ये भी एक हो सकता है। फिर दूसरा दिया है नगरों का ह्रास होना, तो व्यापार का ह्रास, सिक्कों की कमी, सिक्कों के साथ से वाणिज्य में अनुपस्थिति, कुछ ऐसी चीजें थी जो निर्मित उत्पाद थे उनकी मांग की कमी होने लगी थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर नगरों का भी ह्रास होने लगा था, लोग धीरे धीरे नगर से अब गांव की ओर आ रहे थे, ठीक है, ओके राइट, इसे देख लीजिएगा, ओके। कृषि संरचना, तो ये सब उसी के परिवर्तन के अर्थव्यवस्था के उत्तर गुप्त काल के या फिर उसके है, ठीक है। सामंती भू व्यवस्था हम नहीं देखेंगे, ठीक है, सामाजिक संरचना हम नहीं देखेंगे उत्तर। अब देखिए सामाजिक संरचना में जनरली वही भूमि अनुदान ही आपको सब जगह देखने को मिलेगा,
बिचौलिए, जमींदारों, राजनीतिक शक्ति और आर्थिक ताकत के गठजोड़ ने वर्ण के आधार पर विभाजित समाज को संशोधित किया था, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था आ गई थी, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, आप जो वर्ण व्यवस्था थी तो ब्राह्मण देख लीजिएगा, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, कायस्थों का भी यहाँ पर जन्म हो गया था एक तरह से। कायस्थ जात जो है लेखन का कार्य करना कायस्थ का काम हुआ करता था, मुनि मुनीम का काम करना ये सभी कायस्थ लोग किया करते थे, लेखा जोखी वाला काम, और अछूत अपवित्र जिसको जाना जाता था, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसमें महिलाओं की स्थिति, देख लीजिएगा उत्तर गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो इस दौरान महिलाओं की स्थिति में पतन हुआ था, ठीक है, बहुत नीचे की ओर जा रही थी। और यहाँ पर अगर जो कुछ पुस्तकें देखी जाएं, आचार संहिता पुस्तकें देखी जाएं, तो महिलाओं की कम आयु में ही जो है शादी कर दी जाती थी, और यौन अवस्था से पूर्व विवाह करने की प्राथमिकता यहाँ पर होती थी, कम आयु में ही शादी कर देना। महिलाओं के लिए शिक्षा, औपचारिक शिक्षा देने से मना कर दिया गया, एक अनौपचारिक बेसिक शिक्षा घर में दे दी जाती थी, और बाहर जाकर उनको पढ़ने की और या फिर कोई घर में आकर पढ़ाए ऐसी शिक्षा नहीं हुआ करती थी। महिला और संपत्ति की एक ही श्रेणी में कर दिया गया, महिला और संपत्ति की एक ही श्रेणी में कर दिया गया, जिससे उसकी सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो महिला को संपत्ति का भी अधिकार नहीं दिया गया। आप यहाँ पे इसको जो है उसमें टॉपिक में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो संपत्ति के अधिकार से उसको वंचित कर दिया गया। और यहाँ पर विधवा के मामले में संपत्ति अधिकारों में कुछ सुधार जरूर हुआ था, जिसे स्त्री धन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और था, महिलाओं को व्यक्तिगत संपत्ति, जेवर, आभूषण, उपहार वगैरह रखने का अधिकार भी उनके पास खुद का नहीं था, खुद के जेवर है लेकिन अपने पास नहीं रख सकती थी। कुछ शायद ग्रंथों में महिलाओं एवं शूद्रों के लिए संयुक्त रूप से वर्ण प्रयोग किए गए हैं, यानी महिलाओं की दशा समाज में दुर्दशा को स्पष्ट करता है कि महिला और शूद्र एक ही स्थिति में उस वक्त, जो शूद्र की स्थिति होती अछूत और सबसे पापी, सबसे नीचे वाले, उस तरह से महिलाओं की स्थिति भी हुआ करती थी। बहुत से यज्ञों में, उत्सवों में भाग लेने से उन्हें वंचित कर दिया गया, मना कर दिया गया। और इसी काल में सती प्रथा को भी सामाजिक स्वीकृति मिल गई थी। सती प्रथा का मतलब, यदि पति मर जाता है तो महिला को भी साथ में जला दिया जाता था। विवाह के पश्चात महिलाओं के गोत्र में परिवर्तन भी प्रारंभ कर दिया गया था, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जिसकी अंतिम पर उसके पैतृक घर में उसके अधिकारों के समाप्त के रूप में हुई थी। तो ये यहाँ पर महिलाओं की स्थिति आता है आपका उत्तर गुप्त काल में या गुप्त काल में आता है, तो आप इसे लिख दीजिएगा टॉपिक में से बाहर, ठीक है, ओके। चलिए, इस काल के दौरान महिलाओं की स्थिति का वर्णन दीजिए, वही है। चलिए, ये यूनिट भी फिनिश्ड हो गई। उत्तर गुप्त काल में राज्य व्यवस्था, धर्म और संस्कृति देख लेते हैं। अब यहाँ पे उत्तर गुप्त काल में राज्य व्यवस्था, धर्म और संस्कृति क्या हो सकती है उत्तर गुप्त काल में, क्योंकि तो उत्तर गुप्त काल ही पढ़ने, राज्य व्यवस्था, धर्म और संस्कृति, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन है, ओके। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में प्रतिरोध एवं सुधार, ठीक है ना, ओके। और तंत्रवाद, ये कुछ चीजें हम इसमें पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन दो में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। दक्षिण भारत का राजनीतिक किस थे, दक्षिण भारत का जो है भक्ति आंदोलन, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये उत्तर गुप्त काल में धर्म दिया हुआ है, ओके। चलिए, भक्ति का उद्भव कैसे हुआ दक्षिण भारत में, ठीक है ना। देखिए, ब्राह्मणवादी मत को वैदिक देवताओं इंद्र एवं वरुण के साथ साथ नए देवताओं विष्णु एवं शिव के बढ़ते महत्व को स्वीकार करना पड़ा, यानी जो ब्राह्मणवादी मत है उसने पहले लोगों को बताया कि इंद्र एवं वरुण हैं लेकिन देवता, लेकिन उनके साथ साथ लोग उनकी पूजा करते थे, उनका आराध्य किया करते थे, और उसके साथ साथ कुछ नए देवता विष्णु और शिव भी आ गए थे, और उनको भी लोगों को स्वीकार करना पड़ा। और यहाँ पर वासुदेव, स्कंद जैसे नए देवताओं का भी समावेश हो गया था। तो भक्ति में
वरुण इंद्र के अलावा विष्णु शिव और उसके बाद वासुदेव स्कंद जैसे कुछ नए देवता आ गए थे, ठीक है ना। और इस कारण से कारणों से वंश भक्त संप्रदाय का उदय हुआ। अब इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा किस तरह से उदय हुआ, ठीक है ना। ओके, तो जो वाम मार्गी वाम गार्गी सॉरी जो वाम गार्गी संप्रदाय था उसने ब्राह्मणवादी धर्म को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे संप्रदाय आ गए हैं, क्योंकि इतने सारे जो भगवान बना दिए गए हैं उनको मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, तो एक संप्रदाय आया वाम गार्मी संप्रदाय जिसने ब्राह्मण धर्म को चुनौती दी, ठीक है ना। और ब्राह्मण धर्म ने अन्य नए देवताओं को अपनाने के साथ साथ वैदिक अनुष्ठान के स्थान पर भक्ति पर अपना बल देना शुरू कर दिया। जब अब यहाँ पर वाम गार्गी संप्रदाय ने क्या किया कि ब्राह्मण धर्म को चुनौती दी, तो ब्राह्मण धर्म ने क्या कर दिया कि नए देवताओं को तो अपनाना ही है, लोगों को बताना शुरू कर दिया, साथ में जो वैदिक अनुष्ठान थे वो आप मत करिए लेकिन भक्ति पर बल देना शुरू कर दिया, पूजा पाठ पर ईश्वर की उपासना करने पर बल देना शुरू कर दिया था। और इस प्रकार ईश्वर के एकेश्वरवाद की अवधारणा विष्णु या शिव के रूप में हुई। तो ईश्वर एकेश्वरवाद एक ही है, तो विष्णु या शिव के रूप में हुई। और भक्ति सनय सनय धीरे धीरे मजबूत होने लगी। तो भक्ति उत्तर ब्राह्मणवादी धर्म की एक गतिशील शक्ति, यानी कि जो भक्ति है उत्तर में जो ब्राह्मणवादी धर्म था उसकी एक शक्ति बन गई और जिसको हिंदूवाद के नाम से जाना गया, ठीक है। ओके, देवताओं का समन्वय नहीं पढ़ेंगे, कबीलाई अनुष्ठान भी नहीं पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे अभी हम बताते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। दक्षिण भारत में, अभी हमने उत्तर भारत को देखा, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस तरह से हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन वही पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन से क्या समझते हैं बताइए, ठीक है ना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है ये, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। तो ईश्वरवादी भक्ति जो था वो मुख्यतः तमिल उपासनावाद का प्रभाव था। तमिल उपासनावाद जो था उसका प्रभाव का परिणाम देखने को मिला कहाँ पर, दक्षिण में भक्ति। और यहाँ पर उपासनावाद जो था, जो यहाँ पे कबीलाई संप्रदाय के लोग रहा करते थे, ठीक है ना, उनकी ईश्वरवादी विचारों की उपज हुआ करती थी। वो पहले तमिल यानी दक्षिण था, तो वो लोग उपासनावाद पर यकीन करते थे, जो वहाँ के कबीलाई संप्रदाय के लोग रहते थे ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखते थे, विचार करते थे, ठीक है। और यहीं पर उस समय तमिल देश का उत्तरी द्वार बन गया और फिर इसका विकास कांचीपुरम के आसपास हुआ, जो उस समय पल्लव शासकों की राजधानी हुआ करती थी और यह पांडे राजधानी मदुरई पहुंच गया। ये भक्ति आंदोलन है, जो ईश्वरवादी भक्ति जो तमिल में हुआ करता था, तमिल उपासकवाद था, वो कबीलाई संप्रदाय से होते हुए तिरुपति पहुंचा और तिरुपति से तमिल देश का उत्तरी द्वार बन गया, कांचीपुरम के आसपास इसका विकास हो गया, पल्लव शासक के पास ये पहुंच गया और फिर पांडे राजधानी मदुरई यानी पल्लवों के पास साथ ही पांडे भी पहुंच गया, ये भक्ति आंदोलन, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं, स्थाई कबीलाई देवता मुरुगन को स्कंद का अवतार बताया गया, ठीक है। और यही प्रजनन का सबसे पहला उदाहरण देखने को मिलता है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का, ठीक है। तो तमिल उपासनावाद एक आंदोलन के रूप में ही विकसित हो गया था और वैष्णव मत तथा शैव मत दोनों ईश्वरवादी संप्रदायों को यहाँ पर स्वीकार कर लिया। अगर दो संप्रदाय थे, एक वैष्णव एक शैव, एक विष्णु और एक शिव का, और दोनों को यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया। और जो भक्ति आंदोलन देवता की पूजा करके लोग आनंद प्राप्त करते थे और यहाँ पर ईश्वरवादी संप्रदायों के विरुद्ध एक आक्रामक आवेग यानी कि रोष भी यहाँ पर देखा गया और राजकीय समर्थन के साथ जनता में लोकप्रिय होते जा रहे थे, ठीक है ना। सिर्फ भक्ति आंदोलन देवता की पूजा करके आनंद प्राप्त करने का मार्ग न रह गया, बल्कि यहाँ पर एक रोष देखा गया और यहाँ पर जो एक तरह से आप उसे कह सकते तनाव देखा गया, वो राज के रूप में आगे बढ़ा, मतलब कि जैसे राजाओं ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और जनता के बीच में लोकप्रिय हो गया। और आंदोलन का प्रसार 6वीं शताब्दी के उन प्रतिभाशाली कवि संतों द्वारा किया गया जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए कई बार देश का भ्रमण किया, देश में घूम घूम कर प्रचार किया और सारे रास्ते गीतों को गाते नाचते चलते थे। ये वाम मार्गी संप्रदाय के साथ वाद विवाद करते हैं, ठीक है। और इन कवि संतों में शैव मत के अनुयायी को नयनार के नाम से और वैष्णव संतों को अलवार के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नय
नयनार और अलवार। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन से क्या समझते हैं, नयनार और अलवार को समझाइए, या फिर क्वेश्चन पूछ दे नयनार और अलवार भक्ति से क्या समझते हैं, आंदोलन से क्या समझते हैं। तो समझिएगा, जो दो यहाँ पे अनुयायी थे अभी हमने बताया आपको, दो मत हमने बताए, एक शैव मत बताया शिव का और एक विष्णु का बताया वैष्णव मत। तो जो शिव के भक्त थे, जो शिव के अनुयायी थे, शैव के अनुयायी थे, वो नयनार कहलाए, और जो वैष्णव संत के है, जो वैष्णव मत के अनुयायी थे, वो अलवार कहलाए। ठीक है, ओके। चलिए अब एक्चुअली क्या था कि जो इस काल में गायक कवि लोग हुए, वो बहुत प्रचार प्रसार वैष्णव शव का कर शिव का करते थे, शैव का, बिकॉज उन्होंने शिफ्ट कर लिया दोनों मतों को। तो यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म जो था वो थोड़ा पीछे हो गया, लोग इन धर्म को जो है मत को जो है घृणा की नजर से देखने लगे थे। ठीक है, राइट, ओके। और गायक संतों की सफलता का दूसरा कारण भी था कि जन साधारण की लोगों की जो भाषा थी वो तमिल थी, ठीक है ना, और उन्होंने अपनी रचना को भी तमिल भाषा में ही किया। तो एक मेन ये रीजन था इसका प्रचार प्रसार करने में, लोगों तक पहुंचाने में, और ब्राह्मणों की भांति नहीं जो गोपनीय सिद्धांत, तो संस्कृत भाषा के माध्यम से हिंदू धर्म का प्रचार कर, तो उन्होंने अपनी भाषा को यहाँ पर जो है अपनाया। तो भक्ति आंदोलन इस शक्तिशाली धारा को राज्य का भी समर्थन मिला, जिसके कारण जैन तथा बौद्ध मत इसका सामना ना कर सके, और दक्षिण भारत में दोनों धर्म मृत प्राय हो गए, यानी कि एक तरह से मर गए। तो जनरली दक्षिण भारत में हिंदू ही है, और साथ में आप देखोगे जय और शैव और वैष्णव धर्म ही मिलते हैं। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में प्रतिरोध एवं सुराध और भक्ति सुधार और भक्ति आंदोलन के बाद में रूपांतरण क्या हुआ। अब जैसे हमने आपको बताया कि ब्राह्मण जातिवाद नियमों का पालन करते थे, उसी के हिसाब से हर एक काम किया करते थे, और वहां दक्षिण भारत में भक्ति संप्रदाय ने न केवल जाति को नकारा, बल्कि अपने संप्रदाय में सभी जातियों के पुरुष और स्त्रियों को सम्मिलित किया। ये था भक्ति आंदोलन, ब्राह्मणों के अगेंस्ट था, यानी ब्राह्मण जातिवाद पे बिलीव करता था, और भक्ति आंदोलन जो था वो भी भगवान की पूजा करते थे, लेकिन उस संप्रदाय और उस पर जो है जाति को उन्होंने किनारे में रख दिया, और सभी जाति के लोगों को पुरुष और स्त्रियों को इसमें जोड़ा। तो नए नार जो थे ये कराई कल्लम में अम्माई एक महिला था, नंद नार एक छोटी जात का सदस्य था, और अलवरों में अंदाल का एक महिला थी, और तिरुप्पम छोटी जाति का था जो भक्ति गीतों को गाया जाता था। ठीक है ना, तो इस प्रकार संपूर्ण भक्ति आंदोलन के अंतर्गत विरोध एवं सुधार के तत्व भी देखने को मिले थे, और रूढ़वादी ब्राह्मणों का संरक्षण प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का विकास यदि देखा जाए तो प्रारंभिक मध्यकाल के राजतंत्रों से, यानी राजा से मिला था, यानी पहले पल्लव, फिर चोल, फिर पांडे, फिर चेर। ठीक है, इन्होंने भी भक्ति आंदोलन को स्वीकार किया था, और पत्थर की चट्टानों से काट कर बनाए गए मंदिर, ये याद रखिएगा, यदि पल्लव, चोल, पांडे, चेर का आता स्थापत्य कला या मूर्ति कला, तो आपको 100% पत्थर से काट करके कठोर पत्थर ग्रेनाइट का यहाँ पे वर्ड लिखना होगा। ठीक है, स्थापत्य कला के प्रतीक के सुंदर मंदिरों का निर्माण किया, विष्णु एवं शिव के यहाँ पर जो है चित्र बनाए गए, मंदिरों के लिए भूमानदानों में प्राप्त हुई, यानी भूमानदान ब्राह्मणों को नहीं मंदिरों के लिए दिया जाने लगा, और कभी कभी कर मुक्त विशाल भूमि भी यहाँ पे दी जाती थी, और दक्षिण भारतीय मंदिरों की दीवारों पर हजारों दान अभिलेख स्पष्ट रूप से खुदे हुए देखने को मिलते हैं। ब्राह्मणों को भूमि का विशाल क्षेत्र अनुदान में प्रदान किया गया, और शीघ्र ही पुरोहित और राजा की एक दूरी यहाँ पर कायम हो गई। ठीक है, ओके। और ब्राह्मणों ने इसका स्वागत भी किया था, क्योंकि ब्राह्मणवादी मत को मंदिर जो है कृषक बस्तियों के रूप में, आप देखिए ये एक्चुअली क्या था कि जो गोमन दान मिलता था ब्राह्मणों को दिया जाता था, और ब्राह्मण क्या करते थे कि उसमें कृषि करवाते थे, खुद नहीं करते थे, दूसरों से करवाते थे, एक तरह से कृषि बस्तियां उन्होंने वहां पे बसा ली थी। ठीक है, तो दक्षिण में उत्थान एक गतिशील शक्ति के रूप में हुआ था ब्राह्मणवाद का, ये देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है ना, ओके। तो मंदिर केंद्रित भक्ति संप्रदाय की अवधारणा दक्षिण भारत के पुराने कबीले जाति व्यवस्था को स्वीकार करने की ओर आगे की ओर बढ़ी, और यहाँ पर जाति व्यवस्था को श्रेणीबद्ध कर दिया गया। ठीक है, और सामाजिक अनुष्ठानों तथा सामाजिक स्तरों को ब्राह्मणों के द्वारा निश्चित कर दिया गया, और उनके अनुसार से ही काम कराया जाने लगा, और भक्त की विचारधारा के माध्यम से राजाओं, पुरोहितों तथा आम जनता को अपनी सामाजिक संबंधों को साथ में लाया गया। तो देख लीजिएगा, भक्ति आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजाओं तथा जमींदारों के बढ़ते संरक्षण के कारण शीघ्र ही भक्ति आंदोलन व्यवस्था एक अंग बन गया, क्योंकि राजा और जमींदार हुआ करते थे, उनको संरक्षण मिला था, उनके अंदर में रह करके ये सभी काम चल रहा था, और 10वीं सदी के सभी प्रकार के धार्मिक मतभेद, विरोध, सुधार को समाप्त कर दिया गया। अलवार और नयनार अब यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते थे। ठीक है ना, ओके, राइट,
देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी है किस प्रकार से दक्षिण में भक्ति आंदोलन ब्राह्मणवादी धर्म से भिन्न है, वहीं पर है जातिवाद को नकार देना, ठीक है ना, ये चीज को वहां पे कर दीजिएगा। अब तंत्रवाद क्या है इसको देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है तंत्रवाद, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ऐसी धार्मिक क्रियाएं जिसकी उत्पत्ति गैर आर्य कबीलाई लोगों के अति प्राचीन प्रजनन संस्कारों से हुई थी और उनको बाद में चलकर तंत्रवाद के नाम से जाना गया। यानी कि कुछ ऐसी धार्मिक क्रियाएं हैं जिनकी उत्पत्ति जो आर्य कबीलाई हुआ करते थे। अब यहाँ पे आर्य कबीलाई में आपको गैर आर्य जोड़ना पड़ेगा, तो कुछ ऐसी धार्मिक क्रियाएं की गई जिनकी उत्पत्ति गैर आर्य कबीलाई लोगों से हुई थी, ठीक है, उनके संस्कारों से हुई थी, उनको चल करके तंत्रवाद का नाम दिया गया। इसमें शाम्य संप्रदाय यानी जैन मत, बौद्ध मत, शैव वैष्णव मत को प्रभावित किया था इसने, ठीक है, और इसका उद्भव संप्रदायों के लिए चुनौती और प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। तो तंत्रवाद की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। तो धार्मिक क्रियाएं जिसकी उत्पत्ति गैर आर्य कबीलाई लोगों के प्राचीन प्रजनन संस्कारों से हुई थी, उनको आगे चलकर तंत्रवाद का नाम दिया गया, ठीक है। ओके, अब तंत्रवाद की विशेषताएं देख लीजिएगा, क्योंकि जो कबीलाई क्षेत्र था इसमें महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया था, ये गैर आर्य कबीलाई प्राचीन प्रजनन संस्थाएं थी जहाँ पर लोग जन्म लिए, वहां पर महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया, और जिस समय से उनको संस्कृत के ग्रंथों में शूद्रों की श्रेणी में रखा जाने लगा था, तब से अपना परंपरागत अनुष्ठानिक स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा कि तांत्रिक क्रियाओं के साधनों को अपनाएं, ठीक है ना। ओके राइट, इसलिए महिलाओं को यहाँ पर उच्च स्थान दिया गया था, क्योंकि पहले के हम ग्रंथों में पढ़ चुके हैं संस्कृत के ग्रंथों में ब्राह्मणवाद में महिलाओं का स्थान जो है शूद्र के बराबर था। अब यहाँ पे तंत्रवाद क्या होता, देवी देवता जादू टोना बलि वगैरह देना, तो तंत्रवाद में देवी या देवता माता का महत्व इस कारण से था कि सभी कबीलाई क्षेत्रों में और कबीलों में जननी देवी को ज्यादा माना जाता है, ठीक है ना, ये काम किए जाते हैं वहां पे। तो सभी जो कबीले हुए करते थे इनमें देवी शक्ति देवी माता के संप्रदाय लोकप्रिय प्रश्न होते, देवी शक्ति देवी माता को लोग ज्यादा मानते थे, और इन कबीलों में देवियों का प्रवेश ब्राह्मणवादी धर्म में शक्ति के रूप में, बौद्ध धर्म में तारा और जैन धर्म में बहुसंख्यक के क्षणियों के रूप में हुआ। तो अगर आप कबीलाई देवियों को देखेंगे तो ब्राह्मणवाद में अगर देखेंगे ब्राह्मणवाद धर्म में तो शक्ति के रूप में निकल के आता है, ठीक है ना, जैसे हम दुर्गा बोलते हैं दुर्गा काली तो शक्ति हो गई। बौद्ध धर्म में देखेंगे तो तारा के नाम से और जैन धर्म में बहुसंख्यक यक्षिणी के नाम से हुआ। तो प्रारंभिक मध्य काल में प्राकृत भाषा में जो एक ग्रंथ लिखा गया था उसमें यह बताया गया है इस सभी चीजों को कि ये देवियों को कोल और शबर के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। ओके राइट, और यहाँ पर चंडाली के नामों से भी पुकारा जाता था। गुप्त काल के अंत तक विभिन्न कबीले देवियों का उच्च संपादनों में मिलन हो गया था, और इसी के साथ साथ जादू वाले संस्कारों और पशु बल की एक नई रीति भी यहाँ पर जोड़ दी गई थी। तो तंत्रवाद का एक धर्म के रूप में उदय 6वीं शताब्दी में हुआ और 9वीं शताब्दी में शक्तिशाली मत बन गया तंत्रवाद, है ना। तो ये देख लीजिएगा तंत्रवाद, इसीलिए मैंने आपको ला दिया है तंत्रवाद की उत्पत्ति, तंत्रवाद की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। अब जैसे तंत्रवाद ने पुरोहितों ने ब्राह्मणवादी धर्म के दिशा संस्कारों को भी चुनौती दे दी थी, तंत्रवाद के पुरोहितों ने ब्राह्मणवादी धर्म को चुनौती दे दी। अगर ब्राह्मणों ने अपनी सर्वोच्चता का दावा वैदिक अनुष्ठानों के आधार पर किया तो कबीलाई पुरोहित ने अपनी जादुई शक्ति का दावा किया रहस्यमयी अनुष्ठानों के माध्यम से कर दिया, और तंत्रवाद ने उन छोटी जातियों और महिलाओं को दीक्षा प्रदान करके, है ना, जिनको ब्राह्मणिक व्यवस्था ने समाज में निम्न स्थान प्रदान किया था, महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य की सेवा की। तो ब्राह्मणवाद ने महिलाओं को नीचे रखा, नीचे एक स्थिति, नीचे दर्जा दिया, और तंत्रवाद ने वही जादू टोना या तांत्रिक के मामले से महिला को सबसे सर्वोच्च और सबसे ऊंचा स्थान दे दिया। और तंत्रवाद ने कहा कि ब्राह्मण अपने सर्वोच्चता का दावा, सर्वोच्च का दावा वैदिक अनुष्ठान के आधार पर करता है, तो कबीलाई लोग अपनी जादुई शक्तियों का रहस्यमय अनुष्ठानों के माध्यम से करेंगे। तो देख लीजिएगा तांत्रिक पुरोहित अनेक अनुष्ठानों पर अपने स्वामित्व का दावा करते थे। गुड़ क्रियाओं जड़ी बूटियों से न केवल सांप के काटने, कीड़े मकोड़ों के काटने, अन्य बीमारियों का इलाज भी करते थे। भूत प्रेतों ग्रहों के बुरे प्रभावों को भी अनुष्ठानों के माध्यम से किया जाता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है तंत्रवाद, ठीक है। ओके इतना काफी है ना। चलिए अब क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे लग रहा है मैं आज पूरा फिनिश कर देती हूँ, एक ही लंबी वीडियो ले लेती हूँ, क्योंकि बार बार पार्ट में बनाने में
मुझे भी होगी, और बहुत कम लेनी, जैसे राजपूतों का भीड़भाड़ 9 यूनिट आ गई है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन लेंगे, और एक क्वेश्चन ये लेंगे कि गुर्जर राज प्रतिहारों के बाद राजपूत राज, और इसमें शायद एक क्वेश्चन होगा राजपूत की उत्पत्ति का विवाद, शायद यही हम क्वेश्चन जो है राजपूत से एक क्वेश्चन, सिद्धांत जो है राजपूत के उदय के सिद्धांत, वही उत्पत्ति में जो विवाद है, तो ये हम थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, राजपूत का शब्द और अर्थ क्या है। तो राजपूत शब्द संस्कृत मूल से लिया गया है, ठीक है ना, ओके। और जिसमें राजा का पुत्र होता है, और प्राकृतिक रूप में यदि हम इसको देखते हैं तो रावत, रोता, राल, रावल के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजा के बेटे के बजाय जमींदार के अर्थ में इसका मतलब निकलता है, और बाणहट्ट ने हर्षचरित में शब्द का प्रयोग एक कुलीन या जमींदार के रूप में किया था, ठीक है, ओके, राइट। तो राजा द्वारा स्थायी शासकों के रूप में नियुक्त किया जाता था ये, और उसको राजपूत कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये क्या करते थे, स्थानीय शासकों की क्षमता में वो स्थानीय रूप से उसके अधीन भूमि के एक बड़े हिस्से पर शासन करते थे, और उन्होंने राज की राजनीति को प्रशासनिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पर हम राजपूत का एक सैन्य प्रमुख के रूप में देख लेते हैं, सैन्य प्रमुख तो इम्पोर्टेंट नहीं लगता, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन देखना था, सिद्धांत कौन कौन से हैं। अच्छा हाँ, यही सिद्धांत है। देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि जो राजपूत है, ठीक है ना, राजपूतों के उदय के विभिन्न सिद्धांत की चर्चा कीजिए, राजपूत के उदय के विभिन्न सिद्धांत की चर्चा कीजिए, ऐसे कौन, या विचार बताइए उत्पत्ति के संबंधित। तो पहला था कि राजपूत एक सैन्य प्रमुख के रूप में है, तो जनरली कुछ जो चीजें ऐसे पांडुलिपि वगैरह हैं, पांडुलिपि है और चंचनामा जो है, इनमें बहुत जगहों में सैनिक के रूप में राजपूतों को बताया गया है, ठीक है, कि सैनिक जो है वो जो सैनिक हुआ करते थे वो राजपूत हुआ करते थे, और राजपूतों को घुड़सवारों के रूप में भी दिखाया गया है, ठीक है ना, राइट। अगर हम मध्ययुगीन काल की राजपूतों के वंश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रतिहार के नाम के रूप में जाना गया है, जो घोड़ों की स्वामी की उपाधि दी गई थी। तो राजपूतों का सैन्य चरित्र यानी सैन्य से संबंधित होता था, तो जो राज्य अधिपति को सैन्य सेवाओं के बदले में उन्हें भूमि अनुदान करने का भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो जब एक राजपूत एक रणाका यानी से एक जागीर के लिए आवेदन करता है, तब उसे एक गांव दिया जाता है, उसके लिए न केवल आवश्यक है कि वहां कानून व्यवस्था बनाए रखे, बल्कि पुरानी प्रथाओं के अनुसार राजस्व इकट्ठा भी करना होता था। तो यहाँ पर पहला हमने देखा कि राजपुत्र एक सैन्य के रूप में, ठीक है ना, सैन्य अधिकारी के रूप में वहां पे सेवा करता था, ठीक है, ओके। फिर राजपुत्र, सॉरी, राजपुत्र राजाओं और अधिकारियों के पुत्र के रूप में, ये विचार हैं, ये सिद्धांत है राजपूत की उत्पत्ति को लेकर के, उदय को लेकर के, विकास को लेकर के। तो अब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो राजपुत्र है वो राजा और अधिकारियों के पुत्र के रूप में है, यानी कि राजाओं के वास्तविक बेटे को ये उपाधि दी जाती थी, जो राजा के वास्तविक बेटे उत्तराधिकार होते थे उन्हीं को ये उपाधि दी जाती थी राजपुत्र, और वे प्रशासन में विशेष रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे, और राजाओं के द्वारा उन्हें सौंपे गए जो जागीर होते थे, जो भी जगह क्षेत्र उनको दिया जाता था वहां पे प्रशासक का काम करते थे। जैसे यहाँ पे गहड़वाल हो गया है ना, इनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह देखने को मिलते हैं, इनके अपने स्वयं के मोहर देखने को मिलते हैं, इनको विशेषाधिकार दिया गया था, ठीक है, ओके। जो गहड़वाल शाही मुहर से अलग थी यहाँ पर, तो एक तरह से हम कह सकते हैं चाह माना राजकुमारों को उनके व्यक्तिगत भोग के लिए यानी जागीर भी दी जाती थी, जागीरों से उनकी निजी संपत्ति नहीं माना जाता था, कभी कभी केंद्र सरकार इन जागीरों को राजस्व आवंटन शक्ति के रूप में कर देती थी। तो राजपुत्र पुत्र राजाओं के अधिकारियों के पुत्र के रूप में देखा गया, तो चहमानों के तहत राजपुत्र जो राजा के वास्तविक पुत्र नहीं थे लेकिन केवल शीर्षाधिकारी हुआ करते थे। फिर 36 राजपूत वंश, 36 राजपूत वंश क्या है, तो देखिए 36 वंशों के रूप में राजपूत वंशों की संख्या का उल्लेख भी किया गया है, और ये उल्लेख जो है पृथ्वीराज रासों में भी किया गया है, वर्ण रत्नाकर मारवाड़ में भी किया गया है, ठीक है ना, कि वंशों के नाम का अध्ययन अगर हम करते हैं तो भाषाई त्रुटियों को दूर करने में सूची। तो यहाँ पर हम देखिए, हमने ये देखा कि यहाँ पर राजपूत के उत्पत्ति और उदय के बारे में क्या क्या विचार थे, क्या क्या सिद्धांत थे, इतने सिद्धांत और इतने विचार रखे गए हैं राजपूत शब्द को लेकर के, राजपूत की उत्पत्ति विवाद क्या क्या है, कई विचार प्रचलन में है, अग्निकुल राजपूतों की उत्पत्ति,
कुछ लोग यह जैसे चंद्र भाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चालुक्यों प्रतिहारों परमारो चाहे मानव की उत्पत्ति के अग्निकुंड से हुई है। और रासो के अनुसार विश्वामित्र वशिष्ठ जो है ऋषियों ने माउंट आबू पर एक महान बलिदान दिया था और जो राक्षस थे उन्होंने इसे नष्ट कर दिया था। तो वशिष्ठ ने यज्ञ देवी से तीन योद्धा यानी परिहारा प्रतिहार सोलंकी और परमार मांगे थे जो पैदा किए थे और जिन्होंने उनसे युद्ध लड़ा था और राक्षसों को हराने में सफल लेकिन नहीं हुआ। तो ये है यहाँ पर अग्निकुल राजपूतों की उत्पत्ति जो मिथक का एक मिथ्या के रूप में बताई गई है। तो राजपूत को अग्नि कुल मूल मानने वाले आधुनिक विद्वान वाटसन है, ठीक है, जो भाटिया द्वारा राजपूतों के गुर्जर मूल की आलोचना की। तो यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों को मान स्रोत मान करके यहाँ पर राजपूतों का निकाला जा रहा है। अब चंदेल परिवार की सबसे प्राचीन परंपरा चंदेलों को राजपूत के उसमें ला दिया गया। चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा से हुई है, क्षत्रियों की चंद्र जात के रूप में पहचान की गई है, ठीक है। फिर अन्य मत भी यहाँ पर दिए गए हैं राजपूतों के लिए, तो देख लीजिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। फिर दूसरा नवीनतम विचार प्रक्रियात्मक सिद्धांत हो गया। तो अभी हमने यहाँ पर देखा पहला विचार अग्निकुल राजों की उत्पत्ति, अन्य मत, और तीसरा यहाँ पर जैसे अन्य मत में हो जाएगा कि उत्तर भारत में गुर्जर गुहिलोत चयमान चापस आदि को भी राजपूत के रूप में देखा जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो है यहाँ पर राजपूतों का उदय एक तरह से माना जाता है, जो स्वतंत्र शासक के रूप में 8वीं शताब्दी में हुए। तो राजपूत शासक वंश के रूप में गुर्जर प्रतिहार के रूप में कन्नौज क्षेत्र पर हुए थे, ठीक है। फिर नवीनतम विचार भी यहाँ पर रखे गए हैं कुछ, इसे देख लीजिएगा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है राजपूत का, ठीक है, ओके। चलिए नवीनतम में कृषक और प्रादेशिक बस्तियां, क्षत्रियों की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक श्रेष्ठता, ये सभी चीजें यहाँ पे, भूमि के वितरण प्रणाली, किलेबंदी, अंतर्वंशी, सभी चीजें आती हैं। चलिए तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया, नहीं एक क्वेश्चन और हार शायद उसका था, गुर्जर प्रतिहारों के बाद मुख्य राजपूत। तो गुर्जर प्रतिहारों के बाद मुख्य राजपूत कौन कौन से हुए हैं? तो गहड़वाल हुए हैं जिन्होंने 11वीं शताब्दी में कन्नौज पर कब्जा किया था, ठीक है, ओके। और कन्नौज से उन्होंने 1190 से 1193 के दौरान जो है दोआब के प्रमुख हिस्सों पर शासन किया था, ठीक है, राइट। और यहाँ पे गहड़वाल राजा जयचंद जो था उसने मुस्लिम इतिहासकार द्वारा बनारस में राजा के रूप में बताया गया है, तो गहड़वाल हो गया। फिर चहमान, अब कौन कौन से हैं गुर्जर प्रतिहार को मेन राजपूत मान लिया गया, तो अब राजपूत के अलावा और मुख्य राजपूत कौन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, राइट। तो गहड़वार चहमान, अब गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद चहमान आए। चहमान की बहुत सारी शाखाएं थी, अवंती कन्नौज के सामंत हुआ करते थे, ठीक है, राइट। 750-950 के दौरान इनका शासक हुआ करता था, जो व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है, ओके। चलिए चहमान जो राजवंश था अपने जिसके शासक अपने पड़ोसियों के साथ स्वजनों के साथ युद्धों में हमेशा लगे रहते थे और तराइन की दूसरी लड़ाई के साथ ही समाप्त हो गए थे। और सबसे बड़े जो राजा इसके थे पृथ्वीराज तृतीय का विनाश लेकर आया था। फिर चंदेल, एक समकालीन राजनीतिक शक्ति चंदेलों की थी जो गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों में से एक थे। एक्चुअली क्या हुआ समझिएगा कि जब गुर्जर और प्रतिहार जो मेन राजपूत थे और जब इनका पतन हो गया तो जैसे इन्होंने एक अपना साम्राज्य बनाया था, विस्तार बनाया था, उस साम्राज्य से इनके पतन के बाद सभी राज्य जो थे अलग अलग हो गए और इन लोगों ने निकल करके एक अलग क्षेत्र स्थापित कर लिया। तो किसी ने अपने को चंदेल कहा, किसी ने अपने को गढ़हाल कहा, किसी ने अपने को चहमान कहा, ये है। तो चंदेलों ने मध्य भारत में शासन किया था, ठीक है, और उनका क्षेत्रीय विस्तार समय समय पर अलग होता था, खजुराहो महोबा अजयगढ़ था। फिर परमार आए, एक समकालीन राजपूत शक्ति जो थी वो परमार आई जो गुजरात मालवा और दक्षिण राजपूताना क्षेत्र में थी और राष्ट्रकूटों के बीच जो इनका संघर्ष हमेशा सामने निकल के आता था, परमार और राष्ट्रकूट की लड़ाई। तो मालवा के परमारों द्वारा शासित क्षेत्र जहाँ पर शासन करते थे वहां पर मालवा और आसपास के जिले में शामिल थे, ठीक है ना। और अगर क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में बोले तो उज्जैन धार शेरगढ़ उदयपुर मांडू आदि होते। फिर चालुक्य भी हुए जो अपने आप को राजपूत कहते थे। बघेल 13वीं शताब्दी के दौरान अनहिलवाड़ा सहित गुजरात पर शासन किया था, राजधानी ढोकला इसकी थी, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण इन्होंने किया था। कलचुरी भी आए जो गुर्जर प्रतिहारों की सेवा में सामंतों के रूप में तो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने में जरा भी नहीं हिचके और चेंदू त्रिपुरी के कलचुरी के रूप में जाना जाता है, राजधानी त्रिपुरी के बनाया था, कलचुरी शक्ति का केंद्र गोरखपुर था, ठीक है।
तो ये इतने गुर्जर और प्रतिहार राजपूत के बाद के मुख्य राजपूत शक्तियां थी जो उभर कर सामने आए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर और क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे एक क्वेश्चन हार का शायद कुछ लगता है इसमें था, हो सकता है आगे हो। सैन्य प्रणाली नहीं देखेंगे हम, राजपूत और किलेगढ़ भी नहीं देखेंगे, शायद एक था तुर्क और राजपूतों का था शायद, सारांश आ गया, हो सकता है नेक्स्ट में किसी में हो आगे चल के हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं राष्ट्रकूटों का आविर्भाव, राष्ट्रकूट भी यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, राष्ट्रकूट नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर राष्ट्रकूट को भी छोड़ देते हैं। दो यूनिट हमने लिफ्ट की है, ठीक है ना, मुझे नहीं लगा कि इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको, क्योंकि हालांकि कृष्ण राय यहाँ पे है तो कृष्ण राय से क्वेश्चन पूछ सकता है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए इतने कुछ आप पढ़ेंगे, अगर हम कहते 50 क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लेंगे, कितने यूनिट में, 16 यूनिट में 50 क्वेश्चंस बहुत है, 30 भी कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो बहुत है, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब अरब हमले एवं विस्तार, इसमें देख लेते हैं अरब हमले में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, ओके राइट, तो अरब हमले में क्या हो सकता है, 7वीं 8वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके चलिए, इस्लाम का उदय और प्रसार कैसे हुआ 7वीं से 8वीं शताब्दी में। ठीक है, अब देखिए इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में मोहम्मद द्वारा की गई, जो मक्का का एक अरबी व्यापारी था, और अरब के क्षेत्र अनेक लड़ाकू जनजातियों का निवास था, जहाँ पे बहुत से लड़ाकू लोग रहा करते थे, घुमंतू हुआ करते थे, धर्मों को मानते थे, ये देवी देवताओं की पूजा करते थे, निरंतर एक दूसरे के साथ ही आर्थिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर के युद्ध किया करते थे। ठीक है, ओके राइट, और वहीं पे मतलब दो जातियां थी, एक तो मोहम्मद जो इस्लाम धर्म की स्थापना की, जो मक्का का अरबी व्यापारी था, और उस समय अरब के एक क्षेत्र था जहाँ पे लड़ाकू बेदुई जनजाति निवास करती थी, कौन बेदुई, अब बेदुई जो थी वो हिंदू थी, देवी देवताओं की पूजा करती थी, तो ये धार्मिक और आर्थिक मुद्दे लड़ाई इनके बीच में मोहम्मद और बेदुई जात में हुआ करती थी, लेकिन मोहम्मद ने इन अरबी जनजातियों को अपनी एक ईश्वरवादी शिक्षाओं से इकट्ठा कर लिया, और शायद ये माना जाता है कि उनको उसने अपने उसमें कर लिया, यानी एक तरह से धर्मांतरण जिसको बोलते हैं, कि वो देवी देवताओं को छोड़ करके वो एक तरह से मोहम्मद में शामिल हो गए, और मोहम्मद का अरब में बड़ा योगदान माना जाता है एकता लाने के लिए। ठीक है ना, और उनके मृत्यु के बाद अरबी प्रायद्वीप के भीतर बाहर मुस्लिम राज व्यवस्था का मतलब कि विस्तार हुआ, और अगर ये विस्तार देखते हैं जो विस्तृत साम्राज्य, तो मध्य एशिया से लेकर के मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका से लेकर के अटलांटिक महासागर तक था। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि अरबी प्रायद्वीप में एक राज्य का राजनीतिक गठन, धार्मिक एकता, शैन लामबंदी साम्राज्य की स्थापना के महत्वपूर्ण कारण थे, और साम्राज्य का जो गठन था वो इस्लामिक खलीफा द्वारा किया गया था, जो 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, और अपने धर्म के रूप में इस्लाम और नए साम्राज्य के रूप में लूट मेन इनके बीच में हिस्से रहे हैं, लूट मार करना, खानाबदोश जिंदगी हुआ करती थी, खाने के चक्कर में सब जगह घूमा करते थे, और इन्होंने अल्पसंख्यक शासन का गठन किया था। ठीक है राइट ओके, और विभिन्न तरीकों से इस तरीके से एक नए शासक वर्ग को उत्पन्न किया, प्रशासनिक और व्यापारियों के एक नए शासक वर्ग को उत्पन्न किया, जो नस्ल और भाषा जाति के थे। ठीक है ना, जो अनेक नस्ल और भाषा जाति के थे, और मुस्लिम जनसंख्या अरबी प्रायद्वीप में और उसके आसपास फैलती रही, और भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध पर विजय मुस्लिम जगत द्वारा इसका विस्तार था। तो ये था हमारा अरब मुस्लिम का या अरब का विस्तार। चचनामा उसमें आ सकता है, चचनामा टिप्पणी में लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है ओके, इसे मैं नहीं लूंगी, आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि चचनामा में सिंध के इतिहास का वर्णन मिलता है, और चचनामा का अर्थ है चच की कहानी, यानी वह सिंधु के एक हिंदू ब्राह्मण शासक थे, और यह पुस्तक एक फारसी ग्रंथ है जिसे उच्च शहर में लिखा गया था, जो उस काल में सिंध की राजनीति की राजधानी हुआ करती थी, और मुस्लिम भारत के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत में चचनामा को उतना महत्व नहीं मिलना मिला जितना मिलना चाहिए। ठीक है, और कुछ भाग अंग्रेजी में इलियट और डासन द्वारा अनुवाद किया गया, चचनामा का पर्याप्त महत्व यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, चचनामा को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, दो लाइन में बता दिया, यदि आता है तो आप लिख सकते हैं ना उसमें, सिंध पर विजय, नहीं ये भी नहीं देखेंगे हम, सिंध पर विजय,
चलिए अब आधे घंटे में ये फिनिश्ड हो जाएगा ना, ज्यादा नहीं है। और अब प्रशासन भी नहीं देखेंगे हम। हाँ, सिंध पर विजय बगैर परिणामों की जीत, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये इम्पोर्टेंट हो सकता है? ओके, इस वक्त मैंने लगाया, नहीं तो मुझे नहीं लगता है। ठीक है, चलिए। सिंध की विजय के परिणामों पर औपनिवेशिक तर्क क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, राइट, इसे आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना? हालांकि इतने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपको 5 करने होंगे। समझ में नहीं आता किस क्वेश्चन को सेलेक्ट करूं जो आ जाए। महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, आक्रमण एवं प्रतिरोध। महमूद गजनबी से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तुर्कों की विजय और राजपूतों की हार के कारण, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है ना? ओके, पश्चिम और मध्य एशिया में निरंतर परिवर्तन की स्थिति बनी हुई थी, ठीक है ना? ये हम पहले भी चीजें पढ़ा चुके हैं, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाया, बहुत ज्यादा आप लोगों को पढ़ाया है। ओके, हम यहाँ पर एक सिर्फ क्वेश्चन लेंगे, एक से ज्यादा नहीं लेंगे। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन ये आप ले सकते हो कि भारतीय राजशाही के खिलाफ उनकी सफलता के पीछे कारणों का पता चला, यानी कि जो ये मुस्लिम थे, मुगल थे, ये कैसे जीत गए, कैसे ये मतलब कि इन्होंने यहाँ पे सफलता हासिल कर ली। तो पहला महत्वपूर्ण कारण था, मध्य एशिया में घोड़ों की बेहतरीन नस्लें पाई जाती थी और पूरे दुनिया में यहाँ घोड़ों की सबसे अच्छी किस्में पाई जाती थी। मजबूत अनुशासित योद्धाओं द्वारा इनको पाला जाता था और घोड़े अरब और भारत में भेजे जाते थे, क्योंकि यहाँ घोड़ों की देसी नस्ल मध्य एशियाई घोड़ों की तरह अच्छी नहीं हुआ करती थी, ठीक है? दूसरा कारण था कि युद्ध उपकरण आसानी से यहाँ मिल जाते थे। दूर का क्षेत्र यानी अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक था और इसके पड़ोसी क्षेत्र धातुओं, विशेष रूप से लोहे की धातुओं से बिल्कुल समृद्ध थे। यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं थी, इसलिए धातुएं बहुत पाई जाती थी और लोहा भारी मात्रा में यहाँ पे मिलता था, जो खुर होता था घोड़े के लिए जो पहनाते हैं, तो खुर के लोग बड़ी संख्या में हथियारों और उपकरणों का उत्पादन करते थे, ठीक है ना? और उन्होंने पड़ोसी देशों में इन वस्तुओं का निर्यात करना बेचना भी शुरू कर दिया था। तो देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब महमूद गजनवी ने 1010 BC में खुर पर हमला किया, तो उसके प्रमुख अब्दुल हसन खलक ने उसे ढाल और कुरैश के साथ कई अस्त्र दिए थे और खुरिद अधिकारियों ने घेराबंदी युद्ध के विशेषज्ञों के रूप में नियुक्त किया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस्लामिक उनका तुर्कों पर विजय के कारण, ठीक है ना? राइट, मध्य एशिया में तुर्की योद्धाओं की सैन्य दक्षता बढ़ने के क्या कारण थे, ठीक है? राइट, उनकी सफलता के क्या कारण थे? तो यही सफलता के कारण थे। किनके? मध्य एशिया में तुर्की योद्धाओं के सैन्य दक्षता या सफलता के कारण क्या थे? तो दो चीजें यहाँ पे थे, बड़े आराम से आप इसे लिख सकते हैं। तीसरा ले लीजिए, तुर्की योद्धाओं की सफलता के क्या कारण थे, क्वेश्चन ये पूछेगा। तो तुर्की योद्धाओं की सफलता के लिए जिम्मेदार एक और कारक था, गाजी भावना। यह पहली बार पश्चिम एशिया में देखा गया था और तुर्की योद्धाओं को तुर्कमेन, तुर्कोमान के नाम से गैर तुर्की खानाबदोश योद्धाओं के खिलाफ लगातार लड़ना पड़ता था। और ये ट्रांस ओक्सियाना का क्षेत्र ईरानी शासक के अधीन था, इसके पास आसपास के क्षेत्र में तुर्क और गैर मुस्लिम खानाबदोश रहा करते थे, ठीक है? राइट, और जो तुर्की सम्राट हुआ करते थे, तुर्की सम्राटों ने गुलामों को पकड़ने के लिए तुर्कमेन क्षेत्रों में घुसपैठ करनी शुरू कर दी और अफगानिस्तान के हेरात और वर्तमान ईरान और उज्बेकिस्तान में बहुत से गुलामों की उन्होंने मांग की थी और गुर इन बाजारों में दासों की आपूर्ति किया करते थे और इस तरह के बयानों में शामिल युद्ध से लूट कमाने के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे। तो यहाँ पर लूट खसोट की जाती थी और लूट के पीछे मुस्लिम तुर्की योद्धाओं का एक अन्य उद्देश्य भी होता था, इस्लाम को गैर मुस्लिम आबादी के बीच फैलाना होता था और उन्हें गाजियों के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना? और इसलिए हम देखते हैं कि गाजी की भावना को पहले मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियों से लड़ने के लिए ही किया जाता था। तो ये देख लीजिएगा। और महमूद गजनवी अफगानिस्तान का एक लुटेरा था और उसने भारत पर आक्रमण के समय उसी गाजी की भावना को अपनाया और यहाँ पर दिखाया भी, आक्रमण किया, विजय भी पाई, यहाँ पर लूट खसोट भी उसने किया था, ठीक है ना? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी शायद है। तो तुर्की की सफलता के क्या कारण थे, यदि आता है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, गाजी का आक्रमण, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, महमूद द्वारा मथुरा की लूटपाट, सोमनाथ मंदिर का लूटपाट, ये सब इसी के।
अंतर्गत आते हैं, महमूद गजनी ने किया था, गजनवी जिसको बोलते हैं, गजनी बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, महमूद ने अपने अंतिम पड़ाव में गुजरात पर 17 बार आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और किसी भी समय 100,000 तीर्थयात्री वहां इकट्ठा होते थे। चलिए ओके, अब यहाँ पे क्या रह गया? नहीं, गजनवी का पता उतर नहीं देखेंगे हम। चलिए ठीक है, तो तुर्की की सफलता और इनके, हाँ, असफलता का क्या मेन रीजन था? तुर्की की सफलता का यही रीजन था, आप देख दीजिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, तुर्कों की विजय और राजपूतों की हार। वो मैंने तुर्की सफलता बताया कि तुर्की सफलता के क्या कारण थे, तो वो हुआ। अब यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि तुर्कों की विजय और राजपूत के हार के क्या कारण थे, तुर्कों ने किस तरह से विजय प्राप्त की, तो भारत में राजपूतों की हार और तुर्कों की सफलता के कई कारण बताए गए हैं, ठीक है ना, राइट। और अगर मुख्य रूप से देखें तो राजपूत शासकों पर तुर्कों की जीत के दो आवश्यक कारण मानते हैं, और इन कारणों में राजपूत शासकों की शांतिवादी प्रवृत्ति व तुर्कों की सैन्य शक्ति की निपुणता को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पहला हुआ राजपूत शासकों की शांतिवादी प्रवृत्ति, यानी वो इतने शांतवादी थे हर एक चीज के लिए, और साथ ही साथ में शांतिप्रिय थे, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करना नहीं चाहते थे, जो भारत में एक आत्मचार और सा ये वाली भावना थी, सद्भावना वाली, वो बात उनमें थी। और दूसरा, जो तुर्क की सैन्य शक्ति थी वो बहुत मजबूत थी, अभी हम जस्ट घोड़ों का पढ़ के आए, ठीक है ना, वो चीज था। तो गौरी सेनाओं में वो पुरुष शामिल थे जो मध्य एशिया के सिंध और आक्षन नदियों के बीच पहाड़ी इलाकों में रहते थे, जंगी जनजाति के रहते थे, खूंखार हुआ करते थे, ठीक है ना। उग्र जनजाति के विरुद्ध लड़कर सैन्य प्रशिक्षण विशेषज्ञता इन्होंने प्राप्त की थी, और तुर्कों और भारतीयों के बीच तुलना करके यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रशिक्षण का भाव राजपूतों में पाया जाता था, वो प्रकृति में शांतिवादी थे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो भारतीय तुर्कों की तरह युद्ध लड़ने के आदी नहीं थे, इसलिए राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। और तुर्कों में एकता की कमी भी थी। तीन ले लीजिएगा, तुर्कों की विजय और राजपूतों की हार के कारण में राजपूत शासकों की शांतिवादी प्रकृति, दूसरा ले लीजिएगा तुर्कों की सैन्य शक्ति और निपुणता, और तीसरा ले लीजिएगा राजपूतों में एकता की कमी, ठीक है ना, ओके राइट। ये देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको एक्सप्लेन क्या करना, आप तो मैंने खुद ही कर दिया, आप इसको कर ही सकते हैं, चलिए ओके। घोड़े हाथी जो भी रखे गए थे तो गुणवत्तापूर्ण नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे, एक ये भी रीजन होता था, सैन्य संगठन, है ना। तुर्कों द्वारा राजपूतों की हार को दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। क्वेश्चन पूछता है कि तुर्कों द्वारा राजपूतों की हार को दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं, तुर्कों द्वारा राजपूत की हार के क्या कारण थे, सभी चीजें। तो राजपूतों में एकता पहला हो गया, एकता का भाव, दूसरा हो गया कमजोर सैन्य संगठन, तीसरा हो गया तुर्कों की नेतृत्व क्षमता, चौथा हो गया राजपूतों की सैन्य रणनीति भी उनकी हार का एकमात्र कारण। तो ये देख लीजिएगा, 4-5 इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, ओके। चलिए अब जनरली, चलिए चलिए अभी तो यूनिट फिनिश्ड होगी, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ है, चलिए जल्दी से लेते, कौन सा यूनिट आएगा, ये आ जाएगा 13, तो 3 रह जाएंगे, 14, 15, 16, ठीक है ना। भूमि राजस्व पद्धति कृषि संबंध क्या है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। भूमि में भूमि अनुदान देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछेगा उत्तर भारत में भूमि अनुदान से क्या समझते हैं, ठीक है ना, ओके राइट। और कृषि संबंध हम थोड़ा सा देख लेंगे, भूमि अनुदान ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, हालांकि इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जनरली देखिए, मुस्लिम साम्राज्य ने व्यापक स्तर पर नगद भुगतान को प्रचलित किया, और भूमि अनुदानों की क्रमिक वृद्धि जो थी इसका स्रोत था, यानी कि जो भूमि था वो राजाओं द्वारा अपना राज चलाने के लिए महत्वपूर्ण साधक था। राजाओं को पैसा कहाँ से मिलता था, कर कहाँ से, भूमि के माध्यम से ही तो मिलता था ना। और जो वित्तीय संकट होता था राज्य में, शासक में, तो उस समय अधिकारी और धार्मिक समुदाय द्वारा जो सेवाएं दी जाती थी उसके बदले में भूमि प्रदान कर देते थे। तो राजा, जैसे मान लीजिए कोई दूसरे क्षेत्र से कोई लड़ाई करना चाह रहा है, आक्रमण कर दिया, तो राजा क्या करते थे कि वहां के धर्म के द्वारा, सैनिक के द्वारा, जमींदारों के द्वारा सैनिक सहायता उनको मिल जाती थी, उसके बदले में, सेवा के बदले में उनको राजा भूमि दे दिया करते थे। तो राजा अपने राज्य के एक इंच भूमि का उपयोग करने का प्रयास करते थे, और अधिक से अधिक भूमि अर्जित करने के लिए एक दूसरे से हमेशा लड़ा करते थे, यही होता था क्षेत्र का विस्तार करना, ठीक है ओके। तो अगर प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम में देखा जाए समकालीन समाज में, तो सदस्यों के मत संपत्ति के बंटवारे के अनुसार अधिक स्त्री के तो जटिल हो गया था, भूमि की मात्रा सामाजिक गतिशीलता का माध्यम बन गई थी और प्रतिष्ठा का भी माध्यम, प्रतीक बन गई थी, ठीक है ना।
एक प्रकार से जो कृषक हैं अपने परिवार सहित भूमि पर खेती करते हैं, एक तरह से विशिष्ट वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए। उनका ओहदा एक तरह से बढ़ गया था जो भूमि पर आधारित होता था। अमीर किसान हो गया, मध्यम वर्गीय किसान हो गया, गरीब किसान हो गया, काश्तकार हो गया, भूमिहीन श्रमिक हो गया, किसानों के साथ खेती पर काम करने वाले जनसंख्या बन गए थे। तो राज्यों के लिए मूल्यवान संपत्ति बन गया था ये भूमि। ठीक है, ओके, चलिए। भूमि अनुदान वही है जो मैं शुरू में बताई थी, मैं अब इसको रिपीट नहीं करूंगी। भारतीय संस्कृति में ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को उपहार या दान में देने की परंपरा रही है, और स्वयं के लिए, रिश्तेदारों, पूर्वजों के पुण्य प्राप्त करने के लिए, पापों से बचने के लिए ब्राह्मणों का सबसे अच्छा उल्लू बनाने का तरीका था। और दान के लिए अनेक वस्तुएं, दान, अनाज, धन, स्वर्ण, भूमि, बाग, घर, गाय, खेत, हल, बैल आदि सब ब्राह्मण भूमि दान के नाम पर लेते थे। तो भूमि का दान भारतीय परंपरा का एक भाग रहा है। ठीक है, और 700 से 1200 ईस्वी में बहुत देखा गया है। बहुत सारी जगहों में, शिलालेख में, धार्मिक ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, ब्राह्मणों को खेती योग्य भूमि का दान करना, और सभी प्रकार के दानों में श्रेष्ठ दान माना जाता था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है भूमि अनुदान की चेतन और क्रमबद्ध व्यवस्था को ब्राह्मणों को जीवन निर्वाह के साधन प्रदान किए गए। यानी अगर आप डायरेक्ट ना देखो, अगर आपको लगे कि ब्राह्मण अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझते हैं, है ना, धर्म के नाम से वो ले लेते हैं, ऐसा नहीं था। अगर आप इनडायरेक्ट देखो तो ब्राह्मणों को जीवन यापन के लिए भूमि दी जाती थी, और इसके बदले में वो राजाओं को उनके शासन के लिए धार्मिक वैधता प्रदान करते थे, क्योंकि अगर जो ब्राह्मण बोलता था वो बिल्कुल सही होता था तो पूर्ण राजा और उसकी प्रजा को मिलता था। तो राजनीतिक रूप से भूमि अनुदानों ने वैचारिक आधार मजबूत किए थे, और राजाओं के संसाधन के साधन भी यही थे। ठीक है, ओके। तो देख लीजिएगा, भूमि अनुदान पूर्वी और पश्चिम भारत में ही आरंभ हुआ था। दक्षिण भारत में भूमि अनुदान 8वीं 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, 13वीं शताब्दी के अंत तक भूमि अनुदान प्रणाली उपमहाद्वीप में एक विशेषता के रूप में बनकर आई थी। ठीक है, ओके। तो भूमि अनुदान में दान किए गए क्षेत्रों में सत्ता संसाधनों तक पहुंच का अंतर पैदा कर दिया था। ठीक है, भूमि अनुदान जो था व्यापक रूप से दो श्रेणियों में, धार्मिक और धर्म निरपेक्ष, दो में बट गया था। आध्यात्मिक दानों में ब्रह्मदेव, देवदान और अग्रहार सम्मिलित थे, यानी जो शासक होते थे वो राजवेशों द्वारा आरंभ किया गया था। ब्राह्मणों को दान देते थे भूमि, और ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को, एक अथवा अधिक ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। ठीक है, ओके, राइट। और यहाँ पर अग्रहार उत्तर और दक्षिण के ब्राह्मणों को पुनर्वास के लिए मुफ्त में गांव में दे दिया जाता था। देख लीजिएगा, गैर ब्राह्मणों को दोनों को भूमि प्रदान की जाती थी। पहले भी पढ़ा चुके, दोबारा इसको नहीं पढ़ाऊंगी वरना टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी पढ़ा तो दिया ही। भूमि अनुदान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। राजा स्वराज नहीं देखेंगे, ओके, चलिए, ओके। कृषि संबंध भी नहीं देखेंगे इसमें, कृषि विस्तार भी नहीं देखेंगे। आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन पूछ ले कृषि से संबंधित, ठीक है ना, ओके। चलिए, सारांश आ गया, एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। चलिए, वही है 700 से 1200 ईस्वी के मध्य कृषि संबंधों की पास, तो वही है भूमि अनुदान वाला आपका आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है यहाँ पर सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना और लैंगिक संबंध 700 से 1200, इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? ओके, इसमें हम दो क्वेश्चन लेंगे। लैंगिक संबंध में महिलाओं के संपत्ति अधिकार ले लेते हैं, और कुछ असाधारण भूमिकाएं राजनीतिक और प्रशासन में महिलाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं, ओके। सामाजिक रूपांतरण नहीं देखेंगे, ये भी नहीं देखेंगे, ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, बस हो गया, चलिए। नहीं, शूद्रों का भी नहीं देखेंगे, छूत भी नहीं देखेंगे, नई जातियां भी कुछ आई थी, जनजातियां भी कुछ आई थी, दास भी यहाँ पर है, दास प्रथा से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वैदिक काल में ही दास का अस्तित्व था, वैदिक काल में दासता का,
और दासों को कभी भी उत्पादन संबंधी अधिकार नहीं शामिल थे। वो अशुद्ध घरेलू कार्यों से झाड़ू लगाने, मानव मल हटाने, व्यक्तिगत सेवाओं को स्वामी तक पहुंचाने तक ही सीमित था, और दास कभी एक समान वर्ग के नहीं थे। अर्थशास्त्र 5 प्रकार के दासों को बताता है कि 5 प्रकार के दास थे, देख लीजिएगा, टिप्पणी वगैरह में आ सकता है। मन स्मित 7 प्रकार के और नारद स्मित 15 प्रकार के हैं। जन्म, क्रय, बंधक, उपहार, विरासत, शैक्षिक, दासता, युद्ध में बंधक, ये सभी दास के प्रकार थे। गुलाम या दास किराए के नौकरों से अलग थे। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसे, शायद हो सकता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके, लैंगिक संबंध का मतलब क्या था? जनरली यहाँ पे उस समय कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ मध्यकालीन युग में, तो भू संपत्ति जो है एज ए धन दौलत के रूप में सबसे ऊपर आई थी, और जो उभरते हुए कुछ नए राज क्षेत्रीय राज्य थे उन्होंने बहुत अधिक शक्ति हासिल कर ली थी, और भूमि का सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग भी उन्होंने कर लिया था। भूमि पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। क्षेत्रीय और क्षेत्रीय शक्तियां जो थी, भूमि अनुदान काफी किए गए थे, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय स्तर पर भी व्यापक तौर पर भूमि अनुदान किया गया था, और जिसमें न केवल राज समाज का विस्तार हुआ बल्कि कृषकों का भी प्रारंभिक अधिकारों से भी निष्कासन हो गया था। तो यहाँ पर वही है कि लैंगिक संबंधों को अधिक जटिल बना दिया था, संपत्ति के अधिकार, विवाह में स्वेच्छा, विधवापन, सती प्रथा, शिक्षा, राजनीति में प्रशासन, ये लैंगिक संबंध के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे महिलाओं का संपत्ति अधिकार देख लेते हैं। अब ब्राह्मणवादी जो विधि शास्त्र था उसमें पुरुष उत्तराधिकारी के ना होने की स्थिति में संपत्ति के उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार को मानता दी थी। तो ब्राह्मणवादी विधि शास्त्र में एक आ गया कि पुरुष उत्तराधिकारी के रूप में नहीं है तो महिला को वहां पर अधिकार उत्तराधिकार दिया जा सकता है। स्त्रियों का इस समय इसका संपत्ति पर अधिकार, संपत्ति पर परिवार के नियंत्रण को दर्शाता है। तो स्त्री का संपत्ति पर अधिकार होता था और संपत्ति पर परिवार के नियंत्रण राज्य द्वारा इसके जब्त होने की संभावना को कम कर देता है। ठीक है, विधवा के उत्तराधिकार के अधिकार को भी यहाँ पे मान्यता दे दी गई थी, और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं था ये चीज। गुजरात के राजा कुमार पाल के शिलालेख में विधवा के अधिकार को उसके पति की भू संपत्ति जो है अधिकार के रूप में मिल गई थी, ठीक है ना, राइट, ओके। चोल के द्वितीय शासक जो होते हैं ब्रह्मदेव गांव की सभा में भी यही एक चीज बताया गया था कि विधवा को अपने पति की भूमि और संपत्ति को विरासत में देने की अनुमति देती है। और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में स्त्री धन के रूप में स्त्री के अधिकारों का विस्तार हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मध्ययुगीन जो टीकाएं हैं, नीति संग्रह हैं, उसमें स्त्री धन का बहुत बड़ा मतलब विस्तार से वर्णन किया गया है। और यहाँ पर दया भाग और स्मृत चंद्रिका जैसे कुछ ग्रंथों में भी स्त्री धन को बहुत सीमित दायरे में मान्यता दी गई थी। तो स्त्री धन काफी हद तक चल संपत्ति तक सीमित थी, लेकिन महिलाओं को विक्रय, ऋण या उपहार के माध्यम से संपत्ति देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। महिलाओं को केवल चल संपत्ति रखने का अधिकार था, और चल संपत्ति का परिवार पर सिस्टम अधिकार था। देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो सकता है। महिलाओं का संसाधनों पर सीमित अधिकार था, पुरुषों को भूमि और अन्य संसाधनों पर निर्विवाद अधिकार थे। परिवार जागीर प्रणाली के राज के माध्यम से नियंत्रित किए जाते थे, और विधि महिलाओं और अधिकारों पर पुरुषों के प्रभुत्व को संबंध विच्छेद करके देखा जाता है। ये देख लीजिएगा, ठीक है ना, ओके, राइट। अभी यानी देखेंगे इसमें हम एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था वो देख लेते हैं, और हो सकता है राजनीति या प्रशासन में कुछ असाधारण भूमिकाएं, राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की असाधारण भूमिकाएं हो सकती हैं, ठीक है ना, राइट, ओके। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्राह्मणवादी साहित्य में जहाँ पुरुष का पक्ष लिया गया, वहीं पे रजत रंगणी जो थी उसके मध्ययुगीन काल में महिला शासकों के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रभुताशाली महिला शासकों का सिंहासन के पीछे से, यानी कि सामने नहीं लेकिन सिंहासन के पीछे से रहते हुए उन्होंने उसको प्रभावित किया है, ठीक है ना। यहीं पर ग्रंथों में 104 पुरुष शासकों के विपक्ष में कश्मीर में 3 महिला शासकों यशोवती, सुगंधा और गोंडा की उत्पल और यशकर राजवंश से संबंधित शासन काल का वर्णन मिलता है। तो कश्मीर की 3 महिला शासक थी, यशोवती, सुगंधा और गोंडा थी, ठीक है। और यह ग्रंथ भी देवी अनुमोदन, लोकप्रिय मागोर सिंहासन के उत्तराधिकारी होने के संदर्भ में महिला शासक को सही ठहराता है। उस समय महिलाएं भी शासक किया करती थी, ठीक है ना। और शासकों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी रानी, राजकुमारी और निम्न जात की पत्नियां, उपपत्नियां और परिचारिक कन्याओं के रूप में भी राज दरबार में राजनीति में अपना योगदान दिया है। और राजसी महिलाओं के अलावा दरबार की विधवाओं, मंदिर की नर्तकी, पत्नी और माँ को भी राज दरबार
दरबार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया गया। और राजनीति के अलावा कुछ राजसी और गैर राजसी महिलाओं को भी धार्मिक इमारतों और अन्य गतिविधियों को भी करने का हक दिया गया। गैर प्रतिशतात्मक संभावनाओं के साथ समाज और राज की प्रकृति स्वभाव में प्रतिशतात्मक की थी, यानी कि गैर प्रतिशतात्मक मतलब जहाँ पे पुरुष का हक नहीं होता, अधिकार नहीं होता, वहां पे महिला को, नारी को दिया गया। लेकिन जनरली अगर देखा जाए प्राकृतिक रूप से, प्रकृति के रूप से, तो पुरुष प्रतिशतात्मक ही देखने को मिला है। तो राजसी महिलाओं की शक्ति अनिवार्य रूप से प्रकृति में प्रतिशतात्मक और पौरुषता पर आधारित थी। प्रतिशतात्मक होते हुए भी वह महिलाएं जो थी राजनीति का काम कर रही थी। और यहाँ पे कश्मीर से ही नहीं बल्कि महिलाएं पुरुष उत्तराधिकार के अभाव में सिंहासन पर बैठी थी, ठीक है, जहाँ पे पुरुष नहीं होते थे उसकी जगह पे महिलाएं बैठती थी, ठीक है ना, राइट। और उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सिंहासन पर बैठी थी। और चालुक्य में अपने पति की मृत्यु के बाद विजय महादेवी शासक बनी थी। और कर्नाटक में वनवासी कदम्बों के लिए अपने नाबालिग बेटे के स्थान पर शासन किया था, ठीक है। तो बहुत जगह मिल जाएंगी जहाँ महिलाओं ने शासक बन गई थी। शासकों के अलावा राजसी महिलाओं को कुछ राजपाल, प्रशासक, ग्राम पर सरपंच और सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। और जो पुरुषों के वैचारिक गढ़ थे, वैचारिक विचार थे, उनको तोड़ने में भी ये कामयाब हुई हैं। और क्षेत्रीय राज व्यवस्था और विकेंद्रीकरण की प्रकृति को भी महिलाओं ने शासक होते इसको पूरा किया है। और राजनीतिक नातेदारी में भी महिलाओं ने बहुत सर्वोच्च अधिकार उनको मिला है और उन्होंने उसको उपयोग करने में अपने आप को सक्षम बनाया है। और राष्ट्रीय परिवार में चचेरे में मेरे भाई बहन विवाह और राष्ट्रीय परिवार के वैवाहिक संगठन हुआ करते थे, तो महिलाओं को शादी के बाद भी राजनीतिक सामाजिक रूप से मार्ग संबंधों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। तो मध्ययुगीन समय और स्थान में सत्ता की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एक समान नहीं रही। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका राजनीतिक प्रशासन में कुछ असाधारण भूमिका यानी महिला के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इससे मैंने दो क्वेश्चन लिए, अब लास्ट यूनिट शायद आपकी होगी मुझे लग रहा है। कला भाषा साहित्य विकास क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, यही मैं बोल रही थी। कला की वृद्धि विकास, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और साहित्य का विकास, इसे आप देख लीजिएगा, पांडु पल्लव और इन्हीं का सबका आएगा। स्थापत्य कला गुप्त काल का, इसे देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं नहीं लूंगी, 11 बज गए हैं, ठीक है ना, राइट। तो देख लीजिएगा यहाँ पर गुप्त काल ब्राह्मणवादी धर्म के पुनरुत्थान काल के रूप में जाना जाता है। और गुप्त शासकों को मंदिर निर्माण व मंदिरों में इष्ट देवता की प्रतिमा स्थापित करने में दिलचस्पी थी और भक्ति विचारधारा व मूर्ति पूजा की बढ़ती महत्व के कारण मुक्त रूप से खड़े व आंतरिक कक्ष में गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह वाले मंदिरों का निर्माण जो है गुप्त शासकों ने करवाया था और कई ऐसे मंदिरों की जानकारी मिलती है। प्रास्तर खंड और ईंटों का भी उन्होंने उपयोग किया था, छोटे आकार के होते थे। गर्भगृह छत व जल के निस्तारण के लिए भी वहां पे बनाया गया था, जल के निस्तारण के लिए भी बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं, देख लीजिएगा गुप्त काल का स्थापत्य कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के संदर्भ में बताया गया है, ठीक है, ओके। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण जो है पूर्व वही है, पत्थर से काटे के बनाए गए थे, जो अलग ही स्तर पर पहुंच गया था। मंदिर निर्माण को रचनात्मक करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियों को अपनाया गया था, बहुत सारी शैलियों का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की विशिष्ट शैलियों की नींव रखी थी झांसी के जिले यहाँ पे, जहां जहां प्रयोग किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, 100% इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ओके, राइट, देखिएगा इसे, ओके। भवन निर्माण के साथ गुहा स्थापत्य भी किया गया था, जनता की गुफा यहाँ पर देखने को मिलती थी, काल की मानी जाती है। गुफा में एक पत्थर काटकर 20 कक्ष बनाए गए थे। दो कक्षों से प्राप्त अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बना हुआ था, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, क्योंकि मेन जो स्थापत्य गतिविधियां हुई थी गुप्त काल में वो ब्राह्मणवादी धर्म के कारण हुई थी, क्योंकि ब्राह्मणवादी धर्म की यहाँ पे फिर से स्थापना हो गई थी, ठीक है ना, ओके, राइट। यहाँ पर बौद्ध स्थलों से प्राप्त भव्य स्तूप, चैत और बिहारों के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, सारनाथ, नालंदा, राजगीर, जौलिया, क्योंकि पहले ये बौद्ध धर्म पे इनका यकीन था, उसके बाद इन्होंने ब्रह्म उसको अपना लिया था, देख लीजिएगा। फिर गुप्तकालीन में मूर्तिकला क्या है, ठीक है ना, गुप्तकालीन का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा आप इसे, इसमें भी वही है, इस युग के एकदम ब्राह्मणवादी एवं बौद्ध धर्म यानी मूर्ति कला में, तक्षण कला में ब्राह्मणवादी के साथ साथ में बौद्ध धर्म को भी माना जाता है। और
जो कोई भी उस मूर्ति को देखता है तो उसको ऐसे लगता है उसने खुद अपने हाथ से उसको बनाया हो, यानी सौंदर्य ललित कला अब अपने हाथ से बनाकर उसको जिंदा कर दिया हो, ठीक है ना। कुशल 100% बनाने वाले कुशल रहे होंगे, टैलेंटेड रहे होंगे, तकनीकी रही होगी, सूझबूझ समझ रही होगी, उद्देश्य रहा होगा किस लिए बना रहे हैं, सौंदर्य का बोध उन लोगों में रहा होगा, सदैव यहाँ तक कुशलता रही होगी। मूर्ति निर्माण गतिविधि की विशेषताएं, अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्ध गुप्त काल की मूर्ति निर्माण गतिविधि की विशेषताएं कौन सी है, तो असंख्य ब्राह्मणवादी देव समूह की मूर्तियां बनाई गई, विष्णु शिव कार्तिकेय गणेश सूर्य आदि की, और साथ में बौद्ध एवं जैन मूर्तियां भी यहाँ पर बनाई गई थी। वैष्णव मत और शैव मत ज्यादा लोकप्रिय संप्रदाय उस समय के थे जिनको गुप्त शासकों का संरक्षण प्राप्त था, तो मूर्तिकारों ने मुख्य देवताओं की मूर्तियां ही बनाई थी, ठीक है। पौराणिक जो कथाएं थी उनको भी उन्होंने उसमें उकेरने की दिखाने की कोशिश की थी, विष्णु के अवतारों को भी उन्होंने उसमें दिखाने की कोशिश की थी, ठीक है ना। देवगढ़ के मंदिर के मूर्तियों में रामकृष्ण के जीवन को भी वहां पे दिखाया गया था, निरूपित किया गया था, ठीक है। मानवाकार मूर्ति मध्य प्रदेश यहाँ पे प्राप्त होती है, तो आप इसे देख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका गुप्त काल का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसे देख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ, अब इतना तो पढ़ा दिया लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब सबसे लास्ट में है, टायर्ड हो गई हूँ। चित्रकला भी देख लीजिएगा गुप्त काल का, ठीक है। ओके ओके, कितने हो गए, 1-1.5 घंटे हो गए होंगे। भाषा का विकास हम नहीं देखेंगे, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, भाषा का विकास हो भी सकता है, तमिल भाषा का विकास दक्षिण में देख लीजिएगा, साहित्य का विकास देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, साहित्य का विकास गुप्त काल में कैसे हुआ था तो इसको आप देख लीजिएगा, हम ले लेते हैं नेक्स्ट ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, कुछ और क्वेश्चन है क्या इसमें, मुझे नहीं लगता, इसमें वही है स्थापत्य चित्रकला गुप्तकालीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे देख लीजिएगा। लास्ट यूनिट हमारी है धर्म एवं धार्मिक प्रवृत्तियां, इसमें पौराणिक हिंदू धर्म से क्या समझते हैं, इसमें वैष्णववाद शैववाद शक्तिवाद आएगा, भक्ति आंदोलन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और भक्ति आंदोलन का पतन कैसे हुआ, तंत्रवाद भी हम पढ़ ही चुके हैं, तो पढ़ी हुई चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पे आपको वो चीजें डिटेल में मिलेंगी, ठीक है ना। भक्ति और तंत्रवाद दोनों ही अनेक है, भक्ति जो है ब्राह्मणवाद हो गया, तंत्रवाद जादू टोने का हो गया, कबीलियाई वालों का हो गया, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पौराणिक हिंदू धर्म पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वैदिक ब्राह्मणवाद के पतन के साथ में कई संप्रदाय उभर कर आए थे, जब वैदिक ब्राह्मणवाद का पतन हो गया तो बहुत सारे संप्रदाय उभर कर आए जिन्हें मिलकर पौराणिक हिंदू धर्म का गठन किया, और पौराणिक हिंदू धर्म इसलिए क्योंकि एक विश्वास प्रणाली है जिसे औपचारिक रूप से कई धाराएं शामिल हैं, स्थानीय इसमें धार्मिक है, सांस्कृतिक मान्यताएं प्रथाएं हैं, ये सभी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, विभिन्न सामाजिक समूह में रहने वाले लोग इसको आत्मसात करने अपना रहे हैं, तो पौराणिक हिंदू धर्म की विभिन्न धाराओं का निर्माण अनेक देवी देवताओं के समूह से हुआ है, और पौराणिक हिंदू धर्म का अस्तित्व तांत्रिक मान्यताओं प्रथाओं के साथ साथ अस्तित्व में आया, यानी शैववाद और वैष्णव शैव को साथ में लेकर के, और जो तंत्रवाद है उसको भी साथ में ले लिया गया, जादू टोना भूत, इन सभी को ही पौराणिक हिंदू धर्म हो गया। तो उस समय मौजूद वैदिक ब्राह्मणवाद ने पौराणिक हिंदू धर्म में परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा ये धीमी प्रक्रिया थी, धीरे धीरे हुआ। वैदिक ब्राह्मणवाद से जुड़े सभी पुराने विचार को पीछे छोड़ दिया गया, वैदिक ब्राह्मणवाद और पौराणिक हिंदू धर्म के बीच अंतर यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है ना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसे। ओके, वैष्णववाद क्या कहलाता है, शैववाद क्या है, शक्तिवाद तो नहीं है लेकिन इसमें भक्ति आंदोलन देख लीजिएगा, जो हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, महत्वपूर्ण आंदोलन है ये भक्ति आंदोलन, ठीक है ना। या तो आपसे सीधे भक्ति आंदोलन के बारे में टिप्पणी में पूछ लेगा, दक्षिण में भक्ति आंदोलन तो वही है, शैव नयानार वैष्णव अलवार तमिलनाडु में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे थोड़ा सा इसको रोक के रखती हूँ, पॉज करती हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा, अब नहीं पढ़ाऊंगी उनको, ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ, मैं यहाँ पे विस्तार में आपको मिलेगा, ठीक है। और शायद 13 को आपका पेपर है क्या, हाँ मुझे लग रहा है, नयानवार अलवार देख लीजिएगा, टिप्पणी के लिए आ सकता है या भक्ति आंदोलन के साथ में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके राइट, भक्ति परंपरा में लिंग भेद तो हम नहीं देखेंगे, छोड़िए चलिए, बहुत हो गया बहुत हो गया, भक्ति आंदोलन का पतन कैसे हुआ ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन का पतन कैसे हुआ, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन था उसके बाद दक्षिण में बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव को कम करने में सफल रहा है, लेकिन यहाँ पे पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी व्यवस्था का भाग बन गया था, ठीक
ठीक है, और भक्ति आंदोलन की सफलता की कमी को बड़े पैमाने पर सामाजिक गतिशीलता हासिल न कर पाना बताया गया। ठीक है, ओके। आंदोलन द्वारा समर्पित लोकतांत्रिक मूल्य को जोड़ने में ये कामयाब न हो पाया, और एक तरह से भक्ति आंदोलन ने वर्ण व्यवस्था को चुनौती नहीं दी। कुछ धाराओं ने एक शूद्र को ब्राह्मणवादी ज्ञान ग्रहण करने की अनुमति दी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी, देख लीजिएगा थोड़ा सा इसे। और इस तरह से ये आपका जो है तंत्रवाद आ गया, जो मैंने आपको बताया था, ऊपर पढ़ा चुका है, वही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, तो देख लीजिएगा। और इस तरह से BHIC 132 एंड BHIC 105 और EHI 03 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जरूर देखिएगा। और अभी एक बार रिमाइंड करा रही हूँ, और जब एग्जाम आएंगे और जिस दिन एग्जाम रहेगा, पेपर रहेगा, उसके पहले भी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, ओके। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। PDF इस बार ला पाना थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश तो थी कि कुछ PDF लेके आऊं, लेकिन मुश्किल पड़ेगा। तो लाइव क्लास से ही चलते हैं। BEBA 181 के लिए ₹159, ज्वाइन बटन में जाइएगा, 159 159 रुपीज पे कर दीजिए। स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी जिसमें MCQ तो हम कराएंगे कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, आपको PDF भी अवेलेबल करवाई जाएगी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा विद आंसर। ओके, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।